सर प्लीज गो अहेड। शर्मा सर शुरुआत कीजिए फिर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं शुरुआत करता हूँ। जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेक द परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ टुडेज सेशन डॉक्टर जी एस मोदी साहब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गोंडा इगलास। परमिशन है सर? मोदी सर हैं जुड़े हुए? हेलो अभी मोदी अभी नहीं सर है? जुड़े सर। अच्छा चलिए, तो मैं अब स्टार्ट करूं? हाँ कर दीजिए सर, कर दीजिए। बड़ा ठीक है सर, मेरी आवाज आ रही है कुले सर? हाँ आ रही है हाँ, सर, आ रही है। यस यस, आ रही आ रही। जी ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डॉक्टर यूसी शर्मा ऑन द बिहाफ ऑफ वी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अतरौली वेलकम टू द चीफ पैट्रॉन डॉक्टर श्रीमती वंदना शर्मा, डायरेक्टर हायर एजुकेशन यूपी, द पैट्रॉन मैडम माजदा खान, डॉक्टर माजदा खान प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अतरौली, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट ऑफ टूडेज सेशन डॉक्टर जी एस मोदी, गवर्नमेंट प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गोंडा इगलास, द डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर डॉक्टर अरविंद कुमार दुबे, द कीनोट स्पीकर्स डॉक्टर अनूप कुमार एंड डॉक्टर नरेंद्र कुमार सहरा, एंड ऑल द पैनलिस्ट एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आई वेलकम टू ऑल ऑफ दीज इन दिस थर्ड डे सेशन ऑफ 5 days सीरीज ऑफ नेशनल वेमिनार ऑन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर, हैंडीक्राफ्ट एंड लोकल फूड अंडर द स्कीम ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूसा, ऑर्गेनाइज बाई वी ए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अतरौली अलीगढ़। द प्रेसिडेंट ऑफ टूडेज सेशन इज डॉक्टर जी एस मोदी, ही इज प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गोंडा इगलास। टूडेज आवर टॉपिक इज इंडियन हेरिटेज एंड आवर डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर इज डॉक्टर अरविंद कुमार दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली, एंड आवर फर्स्ट कीनोट स्पीकर इज डॉक्टर अनूप कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर वी ए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अतरौली, एंड आवर सेकेंड कीनोट स्पीकर इज डॉक्टर नरेंद्र कुमार सहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री पीजी कॉलेज छर्रा। सो the today's topic is Indian heritage. I would like to share the today's time schedule. First of all, distinguished speaker Dr. Arvind Kumar Dubey will deliver a speech on Indian heritage. After that, our first keynote speaker Dr. Anup Kumar sir, and then our second keynote speaker Dr. Narendra Kumar Sehra will deliver the speech, and after that president of today's session Dr. G.S. Modi will address the webinar, and then vote of thanks by Dr. Chandavishi. The today's topic, Indian heritage. We have three most prominent speakers who will deliver the speech about the Indian heritage. Dr. Arvind Kumar Dubey. First of all, I will invite Dr. Arvind Kumar Dubey. He is assistant professor, School of Tourism, Hospitality Services Management, Indira Gandhi National Open University, New Delhi. He is UGC NET qualified, PhD from Dr. B.R. Medical University, Agra in Tourism Management. He has 19 years of total teaching experience. He has published 40 research papers, articles, book chapters, etc., 6 entitled authorized books,
and presented 36 papers at national, international conferences, seminars, etc. His area of interest lies in heritage tourism management, sustainable tourism development, integrated planning, marketing, geography of tourism, and tourism impact. He was programmer coordinator of CTS, DTS, BHM, MHA, EMBAHM, and MIHM, Indira Gandhi National Open University. As a programmer coordinator, he is currently involved in vision development of tourism course related CBCS BA vocational studies. Tourism management and BTS, he is course coordinator of 12 courses related to BTS, MTTS, MTA, and BAVTM. So without any delay, now I invite Dr. Arvind Kumar Dubey, our distinguished speaker of today. I invite him to deliver a speech. Dr. Arvind Kumar Dubey. डॉक्टर दुबे साहब कनेक्ट हो चुके हैं सर सर सॉरी इट वाज अन जी 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 नाउ आई थिंक गुड इवनिंग सर वेरी 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 गुड इवनिंग सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई इट्स आई कैन से दैट यह मेरा सौभाग्य है कि आप सब गुरुजनों के साथ जो है मैं कुछ शेयर कर रहा हूं द टॉपिक व्हिच इज गिवन टू मी is Indian heritage. It seems that it's very easy to say Indian heritage, but it is very difficult to compile, to concise whatever we have in terms of heritage, culture, and tradition. Okay. Is it necessary to speak in English or what is the language mode of this? Should I go in English or I have to say in Hindi? You can start with any language, or either Hindi or English, both. You can use both the languages. Yes. Okay, okay. No, when I was invited, they said it's better to speak in Hindi. So I will try my best. जिसमें आप easily deliver कर सके, effective deliver कर सके. कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं. अभी जैसे अगर heritage को समझना हो जैसे भारत के हेरिटेज को इंडियन हेरिटेज को समझना हो या इस टर्मिनोलॉजी को हमें समझना हो कि हेरिटेज है क्या चीज अगर अनऑफिशियली किसी एक जगह पर बहुत सारे लोग अगर इकट्ठे हो तो कैसे पहचानेंगे कि कौन कहां से है किस रीजन से बिलोंग करता है किस फ्रॉम विच कंट्री द पर्सन इज बिलोंगिंग उसकी आइडेंटिटी क्या होगी उसकी पहचान क्या होगी या मैं ये कहूं कि आपकी अपनी पहचान क्या है आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या है आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं किस जगह से आप बिलोंग करते हैं किस सोच की किस मानसिकता के आप हैं ये सभी चीजें आपकी डिसाइड हो जाती हैं उस हेरिटेज से या कह सके हम कि आपकी जो पहचान है जो आप दूसरों से अपने आप को अलग करते हैं जो आपकी आइडेंटिटी है जो आपकी यूनिकनेस है वही आपका हेरिटेज है सो इन अदर सेंस दिस हेरिटेज इज रिलेटेड विथ द टर्म इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस इन द सेंस दैट वट एवर हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन दैट इज कॉल्ड हेरिटेज मतलब ये हुआ कि जो भी चीजें हमारे पूर्वजों से हमारे पास आई या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो जो ठीक समझा कि इसको ट्रांसफर किया जाए वही हमारा हेरिटेज बना अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो समय के साथ नष्ट हो गईं लेकिन किसी समय पर वह भी उस समय काल से रिलेटेड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दैट वॉज हेरिटेज ऑफ दैट पीरियड ऑफ दोज पीपल्स हु वर लिविंग क्योंकि उनकी वह आइडेंटिटी थी उनकी वह पहचान थी लेकिन हो सकता है पूर्वजों ने समझा कि इसको ट्रांसफर करना ठीक नहीं या जो चीजें ठीक नहीं जो साइंटिफिक लेवल पर स्टैंड न कर पाई समाज ने जिनको एक्सेप्ट नहीं किया वो ट्रांसफर नहीं हो पाई सो द मेन थिंग इज व्हाटएवर हैज बीन ट्रांसफर्ड व्हाटएवर इज इनहेरिटेड फ्रॉम आवर प्रीवियस जनरेशन इज गोइंग टू बी टर्म एज हेरिटेज जहां तक भारत के हेरिटेज की बात है
तो आप एक जहां से हिस्ट्री की आप शुरुआत होती है, हिस्ट्री अपने आप में जो रिटेन हिस्ट्री के रूप में हुआ, चाहे आप हड़प्पा ले लीजिए, मोहनजोदड़ो ले लीजिए, वैदिक पीरियड लीजिए, चाहे बुद्धिज्म हुआ, उसके बाद जैनिज्म हुआ, फिर बहुत से इन्वेजन हुए हैं इस देश के अंदर, शक हुए, कुषाण आए, हून आए, चाहे बाद में गुप्त पीरियड हुआ, राजपूत पीरियड आया, फिर उसके बाद जो है गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, मुगल्स आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, इन सभी का कुछ न कुछ योगदान रहा है। भारतीय जो हेरिटेज है या जो मेरी हेरिटेज है, जो आपकी हेरिटेज है, वह किसी एक व्यक्ति की विशेष के द्वारा या किसी एक कालखंड में नहीं बनाई गई, उसमें सभी लोगों का कुछ न कुछ योगदान रहा। अगर आप उन सभी चीजों को जब आप कंबाइन कर देंगे, तभी आप भारत के हेरिटेज की समझ आपको हो पाएगी, चाहे वह आपकी भाषा से रिलेटेड हो, चाहे वह आपके खान पान से रिलेटेड हो, चाहे आपका पहनावा हो, चाहे आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, आपके गीत संगीत हो, लोक संगीत हो, चाहे आपके आर्ट एंड क्राफ्ट हो, चाहे आपका आर्किटेक्चर हो, चाहे आपका बिल्डिंग हो, मॉन्यूमेंट्स हो, चाहे आपके पेंटिंग्स हो, चाहे आपके किसी भी तरह के प्रैक्टिसेस हैं, किसी भी देश के हेरिटेज को समझने के लिए आपको इन सभी को कंबाइन करके समझना होगा। तब हम समझ पाएंगे कि ओके, दैट कंट्री इज हैविंग दिस काइंड ऑफ हेरिटेज, क्योंकि यह हेरिटेज जो है यह आपका एक सर्वाइवल है, दैट गिव्स ए ग्राउंड टू सर्वाइव, दैट गिव्स ए पर्पस टू लिव। एक्चुअली आपका जो एटीट्यूड है वो आपका हेरिटेज बनाता है, आप किस मानसिकता के हैं यह आपका हेरिटेज डिसाइड कर देता है। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस इस हेरिटेज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें दो चीजों को अंडरस्टैंड करना होगा, एक तो वह फॉर्म है जो हमारे सामने है, और एक उसके साथ स्पिरिट जुड़ी हुई है जो एनर्जी के टर्म्स में है। अगर हम फॉर्म्स तो हमारे सामने है, लेकिन अगर हम उसकी एनर्जी या स्पिरिट को न समझ पाए, तो हो सकता है वह फॉर्म हमें से बड़ा दकियानुसी सा लगे, करे क्या है यार या कैसे आया। तो जब ये फॉर्म और स्पिरिट को जब आप कंबाइन करेंगे, तब आप हेरिटेज को समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एज ए वेरी जनरल टर्म, एक शिव है, आप पूजा करते हैं, बहुत सभी लोग पूजा करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, मान्यता है, शिव जो है वह दो शब्दों से बना, शव जमा ई, शव जो पुरुष तत्व है, ई जो है वह एनर्जी तत्व है। आपने शिवलिंग देखा, शिव की मूर्ति देखी, लेकिन क्या यह समझने की कोशिश की कि वह इस फॉर्म में क्यों है, या ऐसे ही आ गया क्या है, किसने बनाया, यह रूप उसको क्यों दिया गया, उसके साथ उसकी एक आइकोनोग्राफी जुड़ी हुई है, उसके साथ उसका सिंबलिज्म जुड़ा हुआ है, उसके साथ कुछ भाव प्रमुख है। तो यह जो पुरुष और प्रकृति का जो संबंध है, जो इस यूनिवर्स को चलाने के लिए, ब्रह्मांड को चलाने के लिए जरूरी है, तो इसके साथ आपके पास फॉर्म तो है, लेकिन शायद वह एनर्जी की समझ हम भूलते हो। इसी तरह से आप गणेश, किसी की भी मूर्ति आप देखें, या जिसको भी आप मानते हो, आपकी श्रद्धा जिस चीज में भी हो, क्यों किसी भी एक धार्मिक स्थान का आपने देखा कि पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, पर्टिकुलर शेप होता है, ऐसा क्यों है, उसके पीछे पूरा इतिहास है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस जुड़ा हुआ है, उसको समझना होगा। जब आप इस, जैसे फॉर एग्जांपल, आप गणेश की मूर्ति आपने बहुत आसानी से देखी होगी, क्यों है उनके ऊपर हाथी का सिर, क्यों है, वह क्या कहना चाहते हैं, इतने बड़े बड़े कान लेकर, क्योंकि वो आप सभी जानते हो वह विघ्नहर्ता है, विघ्नहर्ता कैसे आप बनेंगे, अपने काम को आप कैसे सुचारू रूप से चलाएंगे, वह पूरा उनकी आइकोनोग्राफी है जिसमें उसके डिपिक्टेड है, उसके साथ उसका भाव निहित है। तो आप उनकी अगर मान लीजिए उनके सम्मुख अगर जाते हैं, वह भाव आपके मन में अगर नहीं आए, आप उसको समझ नहीं पाए, तो शायद आप हेरिटेज को भी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि यकीन मानिए, मैंने एमएससी फिजिक्स भी किया है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, किसी वक्त में किसी भी चीज को, साइंस में एक चीज रहती है ना कि हम लोग जल्दी किसी चीज को मानते नहीं है जब तक वह साइंटिफिक दायरे के अंदर न आए, या हमें उस चीज का कोई एक जस्टिफाइड लॉजिकल कंक्लूजन हम न निकाल पाए, या उसको हम जस्टिफाई न कर पाए, तो नहीं उस चीज को मानते। उस जैसे एमएससी या बीएससी के अंदर जैसे एक चीज आती है लाइट को, जैसे हम लोग पढ़ते हैं लाइट, सब आप किस कोई भी साइंस का स्टूडेंट हुआ बताएगा, लाइट अपने आप में एक डुअल कैरेक्टर रखता है, वह एज ए पार्टिकल भी बिहेव करता है और एज ए वेव भी बिहेव करता है। जब वह पार्टिकल रूप में बिहेव किया तो वह साकार हो गया, जब उसने वेव के रूप में बिहेव किया वह निराकार हो गया, और यही साकार निराकार गुण सगुण आपके पूरे लिटरेचर के अंदर मिलते हैं, इसी के ही आधार पर आपकी सारी आइकोनोग्राफी बनाई गई। जो लाइट जो हम डेली देखते हैं, इसी का वह एक एनर्जी फॉर्म है, वह फोटॉन्स का एक जो है मूवमेंट है। अब ये यही जिसको आप आत्मा कहते हो, एनर्जी का ही रूप है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड।
तो वही हाल आपका आत्मा का है ना, तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हाँ, वो फॉर्म बदल देता है, वो समय समय पे अपना फॉर्म, ये एनर्जी अपना फॉर्म बदल देती है, तो उसी एनर्जी तत्व की ही तो पूजा करते हैं और वहीं से आपका हेरिटेज और कल्चर निकल जाता है। तो क्योंकि किसी भी पूरे इस विश्व के किसी भी जो भी देश है या जहां पे भी जो एंशिएंट रही है प्रथाएं, जहां पर वहां पर कुछ चीजें आप बहुत कॉमन पाएंगे, जैसे 9 गॉड्स की एक प्रथा मिलती है। आप चाहे ग्रीस में चले जाइए, आप चाहे चाइना चले जाइए, जापान चले जाइए, भारत के अंदर 9 देवियों का कॉन्सेप्ट, सभी जगह एक जैसा ही कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, नाम अलग अलग है लेकिन जो बेसिक तत्व है वह आपको एक ही मिलेगा। एक ही तत्व पूरे ब्रह्मांड में आप निहित पाएंगे क्योंकि उसी एटम से सब बने हैं। जो इस पूरे ब्रह्मांड में जो एटॉमिक थ्योरी है वह उसी एटम से ही, जिसके अंदर आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन जितने भी चीजें सब वहीं से निकल कर आए हैं। लेकिन इनके अंदर सबसे चीज ये जो मेन आती है इंडियन हेरिटेज को समझने के लिए सबसे प्रमुख रहेगा कि उसके भाव को समझना। भाव के अंदर ही सब कुछ है। जब तक आप भाव नहीं समझेंगे, आप भारतीय सभ्यता या भारतीय हेरिटेज को या भारतीय जो जो भी चीजें हमें कल्चर के रूप में आई ट्रांसफर हुई उसको नहीं समझ पाएंगे। जैसे सबने देखा होगा किसी भी स्टेज पर जाने से पहले जो भी कलाकार एक बार स्टेज को जरूर प्रणाम करता है, उसको नमस्कार करता है, झुक को प्रणाम करता है, उसका भाव है। या आपके सामने अगर जैसे हम लोग सब टीचर हैं, गुरु हैं, अगर मुझे जिसने भी पढ़ाया अगर मेरे सामने आज मेरा एक भाव, उसने मुझे उन्होंने मुझे दिया जो कुछ भी हूं अपने गुरुजनों की वजह से, अपने माता पिता की वजह से, एक ऋण के रूप में रहे, वह ऋण जो ट्रांसफर हुआ वह जिसको हम समझते हैं वह आपका हेरिटेज के रूप में है। गुरु को प्रणाम करना, या मान लीजिए पैसा जमीन पे गिर जाए तो आप उसको जरूर एक बार प्रणाम करते हो, करे क्योंकि उसमें लक्ष्मी आप पाते हो। किताब लग जाए, किताब को पैर लग जाए, क्योंकि वो सरस्वती का रूप है, भाव है भाई। हम इस चीज को, तो ये भाव जो है बहुत प्रमुख है। इसी तरह से जैसे मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी में ना आउटसाइड माय विलेज एक ग्राम देवता बैठे हुए हैं, हमारी कुल देवी है, कुल देवता सभी के हैं, किसी न किसी रूप में है, भाव प्रमुख है। कुछ भी देने से पहले उन्हें हम पूजते हैं, वह एनर्जी तत्व है, क्योंकि उस एनर्जी तत्व को ना पूजे तो हम अपने हेरिटेज को कैसे मानेंगे। इसी भाव से, इसी पूजा के तत्व से उन्हीं को रिस्पेक्ट देने के लिए आपकी नदी हुए, पहाड़ हुए, वृक्ष हुए, झाड़ियां हुई, फूल पत्ती घास सब चीजों का एक महत्व दिया गया। और अगर इस महत्व को आप हटा देते तो लोग वैसे ही नष्ट कर देते, क्योंकि इस धरती पर इंसान से खतरनाक जीव नहीं, और हर जगह आप पुलिस की व्यवस्था तो नहीं कर सकते ना, इसलिए बहुत सी चीजों को धर्म से जोड़ दिया गया, रिलीजन से जोड़ दिया। धर्म क्या? आपका कर्म है। अब जैसे आप किसी मंदिर के एक रूप देखिए, मंदिर अपने आप में एक इकोनॉमिकल सेंटर है, क्योंकि अगर एक मंदिर के सेंस में आप कोई भी अगर पूजा करने जाते हैं तो उसके अंदर बहुत से सामान लगते हैं, बहुत सी फूल पत्तियां लगेंगी, एग्रीकल्चरल सामान लगेगा, सुपारी का आप यूज करते हो जो आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगी, इधर नहीं पैदा होती, नारियल आपको दक्षिण भारत से आ रहा है, तो अगर इन चीजों का आप बंद कर दे तो उसका इकोनॉमिकल फ्लो बंद हो जाता है, क्योंकि जिन्होंने नारियल पैदा किया या जिन्होंने सुपारी पैदा की उनको कहीं कहीं हानि होगी, क्योंकि यह एक इकोनॉमिकल फ्लो का, क्योंकि एक भी मंदिर के साथ चाहे वह किसान हुआ, चाहे वह माली हुआ, चाहे वह पंडित हुए, चाहे वहां पे साफ सफाई करने वाले हुए, या जिन्होंने मंदिर को बनाया है उन पत्थरों को तराशने वाले कलाकार हुए, मतलब आप अगर जोड़ेंगे तो आपको हजारों ऐसे प्रोफेशंस मिल जाएंगे जिनके जुड़ाव से वो चीज बनी। और यह केवल मंदिर में ही नहीं, सभी में आपको मिलेगा जो भी आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपका बनता है। खैर, तो यह जो हमारा कल्चरल फॉर्म्स है जो हम रोज देखते हैं वह आपका हेरिटेज है। जो आपके एक्सप्रेशंस हैं, जिस तरह से आप व्यक्त करते हो, जिस तरह से आप बिहेव करते हो, या जिस तरह से आप अपने आप को विश करते हो, अपने आप को प्रेजेंट करते हो, यह आपका हेरिटेज है। जिस एटीट्यूड से जो है आप सामने किसी के आते हैं वह आपका हेरिटेज है। जो आपका स्पिरिचुअल विजडम है, जो आपकी समझ है, वह आपका हेरिटेज है। क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वही आपका हेरिटेज है। आपके क्या रिलीजियस फॉर्म्स हैं, वह आपका हेरिटेज है। अब इसी फॉर्म्स के तहत आप देखिए बहुत से आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर मिलेंगे। जैसे एक हेरिटेज के सेंस में बहुत आसानी से समझ सकते हैं आपका ताजमहल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, एक अपने आप में मॉन्यूमेंट है। आप चले कैलाशनाथ टेम्पल चले जाइए, कैलाशनाथ टेम्पल पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा एग्जाम्पल है जो रिवर्स कैलकुलेशन के बेस पर आधारित है। कभी भी मौका लगे तो आप कैलाशनाथ टेम्पल को अगर आप देखें एलोरा के अंदर केव नंबर 16, पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो रिवर्स कैलकुलेशन के बेस पर बनाया गया हो। जो रिवर्स कैलकुलेशन इन द सेंस कि वह पहाड़ की ऊंचाई से टिप से उसका जो है सिजलिंग शुरू की गई, कलाकारों ने वहां से उसको जो है हिंदी में क्या कहेंगे सिजलिंग को, तराशना शुरू किया और पूरा नीचे तक ले गया। देयर इज नो जॉइंट,
जाकर सामने जब आप पढ़ेंगे ना, जब ये सोचेंगे करें यार ये बना कैसे होगा, तब आपको एहसास होगा कि आज की डेट में भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से भी शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन उस वक्त बनाया 10th-11th century का। गंगईकोंड चोलापुरम चले जाइए, वह एक ऐसा एग्जाम्पल है जो पूरे विश्व के अंदर ऐसा दूसरा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां ना कोई सीमेंट यूज हुआ, ना कोई बीच का जो बॉन्डिंग फोर्स होता है वह यूज हुआ, इंटरलॉकिंग के बेस के ऊपर पूरा मंदिर है और 10 मंजिल ऊंचा है। उसके ऊपर जो है एक जो फलक है वह उसको रखने के लिए 7 किलोमीटर का पुल बनाया गया था उस पीरियड के अंदर। तो बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं देश के अंदर, तो तब समझ आता है कि कैसे हुआ। इसके पीछे साइंस रही है, साइंस के अलावा यह बन ही नहीं सकता था। पूरे विश्व के अंदर जितने भी आप मॉन्यूमेंट देखेंगे ना, वहां के जो लोग हैं, वहां के जो संस्कृति है, उसके पीछे का जो साइंस है उसको सबसे पहले उजागर करता है। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज में हम लोग चूक गए, हम लोग उसके पीछे साइंस को हम लोग भूल गए, हम लोग उसकी बात ही नहीं करते। हम लोगों को बड़ा, मैं जैसे आपको बताऊं कि आप किसी भी रशियन बुक को अगर आप पढ़ें या चाइनीज बुक को पढ़ें या किसी भी उसमें बुक को पढ़ें, तो उसके अंदर आप देखेंगे ना, यह लिखा जाएगा कि भाई यूरोप में इस चीज की खोज हुई, इस कॉन्सेप्ट उन्होंने जो है खोज किया, लेकिन साथ ही साथ वे यह भी लिखते हैं कि उनके देश में किन किन लोगों ने काम किया। हमारे यहाँ इसका जिक्र आपको नहीं मिलेगा। हम लोग अगस्त ऋषि के जो कंट्रीब्यूशन उसको भूल गए, अगस्त ऋषि जिन्होंने लाइट का आविष्कार आज से हजारों साल पहले उसका रेफरेंसेस एक किताब के अंदर मिलता है, बैटरी का उन्होंने पूरा जो है केमिकल फार्मूला दे दिया, दधीच के बारे में भूल गए आप, मुन कणाद के कणाद जिन्होंने पूरी एटॉमिक थ्योरी दी, लेकिन हम ये नहीं लिखते कि एटॉमिक थ्योरी थी कि यूरोपियन ने दी। उसके साथ साथ हमें उस वक्त हमें कहते हुए झिझक होती कि उनका नाम कैसे लें, भागीरथ का नाम लेने में आपको लिखने में भास्कराचार्य नचिकेता आदि, कभी पढ़े तो देखे पता लगेगा कि यार किस कहां से आए हम लोग, कैसे कोई चीज डेवलप हो पाई। चाहे आप जैसे तंजावुर के आप चले जाइए, मदुरई चले जाइए, चिदंबरम चले जाइए, चिदंबरम जहां पे आकाश तत्व की पूजा है, कोई डेटी आपको नहीं मिलेगा। तो ये तत्व की पूजा है, भाव की पूजा है, एनर्जी की पूजा है, रूप की तो पूजा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति विशेष कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता। सारी चीजें केवल आपके भाव से जुड़ी हुई, अगर भाव है तो सब कुछ है, भाव नहीं है तो ठीक कुछ नहीं, भाव नहीं है तो पत्थर मानिए, नहीं तो सब कुछ मान लीजिए। प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ तो आप नहीं मानते तो पत्थर है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो उसके साथ आपका पूरा जीवन जुड़ जाता है। हाँ, तो वही भाव है। अब यही भाव आपको सब जगह आपको मिलेगा, चाहे आप चारधाम में चले जाइए, चाहे आप बुद्धिज्म में चले जाइए, चाहे आप जैनिज्म में चले जाइए, चाहे आप सिखिज्म में चले जाइए, चाहे जो भी आप, चाहे मुस्लिम के जितने भी रिलीजन है उनमें चले जाए, अगर आप इंटरनली अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे ना, सब एक भाव आपको नजर आएगा। इसी तरह जितने भी डांस फॉर्म्स हैं, म्यूजिक हैं, पेंटिंग्स हैं, आप सांची चले जाइए, सांची के अंदर अशोकन के पिलर रखे हुए हैं, अशोकन पिलर जिसमें जो पॉलिश उस वक्त की गई, साइंस ही जुड़ा हुआ है। आज तक उस पॉलिश को कोई भी साइंटिफिक फिनोमेना के द्वारा नहीं कर पाया, वैसी पॉलिश नहीं हो पाई, वह ऐसी पॉलिश थी जो आज भी चमकती है और आपको चेहरा दिखा देती है, नहीं कर पाए भले आप हम साइंस में बड़े चले जाएं। यही दिल्ली के अंदर ही जो कुतुब मीनार है उसके पास एक आयरन पिलर है, आज तक उस पर जंग नहीं लगा, नहीं निकाल पाए केमिकल कंपोजिशन क्या रहा। बहुत ऐसी चीजें हैं जिसके पीछे जो साइंस जुड़ा था वो भूल गए हम लोग, नहीं निकाल पाए, या उन चीजों को हम लोगों ने खुद ही, क्योंकि उसको हम लोगों ने अपना कल्चर और हेरिटेज का हिस्सा नहीं बनाया। आप अजंता चले जाइए, आप दंग रह जाएंगे कि 2nd century BC में जब कुछ ऐसे वो कैसे इतने डीपली, जो बसाल्ट की रॉक है जहां पे पूरे दिन अगर आप चाइनी हथौड़े से उस पे मारें तो एक एक बीता या एक हाथ से ज्यादा आप नहीं छेद कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने हंड्रेड्स मीटर्स खुदाई कर दी। कैसे एलोरा चले जाए तो आप दंग रह जाएंगे, क्या उन्होंने चीजें बनाई, या बहुत से आर्कियोलॉजिकल के अंदर, एक्सकवेशन के अंदर बहुत ऐसे मृदभांड बर्तन मिलते हैं, वो चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए उस रूप में आज हम नहीं बना पा रहे हैं। भोजपुर के टेंपल चले जाइए एमपी के अंदर, तो आप देख के दंग रह जाएंगे कैसे वह बना। उदयगिरी चले जाइए तो आपको इस पत्थर के अंदर घमंड दिखाया हुआ है, जब फॉर्म के अंदर विधशास्क। तो वाराणसी चले जाए, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन आपको मिलेगी, ऐसा इतनी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन किसी और सिटी के आपको नहीं मिलेगी। तो कुछ भी कहिए, तो ये जो चीजें भाव के रूप में, आपके त्याग के रूप में, जहां पे कोई व्यक्ति विशेष इंपॉर्टेंस न हो, सभी को साथ लेकर चलने का भाव, चाहे आपके 4 पुरुषार्थ की बात हो, चाहे आपके 16 जो संस्कार है उनकी बात हो, चाहे आपके 4 आश्रम जो कर्म के आधार पर डिवाइडेड हो, चाहे आत्मा का कॉन्सेप्ट हो, चाहे कर्म का कॉन्सेप्ट हो, या जो आपकी ड्यूटी है, इन सभी को जब आप मिला दें तब जाकर आपका एक हेरिटेज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। हेरिटेज मीन्स जो यूनिक है, जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आपकी पहचान है। अब आपकी आइडेंटिटी यूनिकनेस किस रूप में आएगी,
मैंने पहले ही कहा कि उसमें सभी का योगदान है। अगर आप उन योगदान को अगर आप पढ़ेंगे तो कोई ऐसी आपको चाहे जितने भी यहाँ पे लोग आए सभी ने अपना अपना योगदान दिया, चाहे ब्रिटिशर्स हुए, चाहे मुगल्स हुए, चाहे खिलजी हुए, तुगलक हुए, जितने भी आप नाम लिए सबका योगदान आपको नजर आएगा। इसके भी आंसर जाइए तो एक संस्कृत एक ऐसी भाषा जो पूरे विश्व के को जो है यूनाइट, जहां से मैक्सिमम लैंग्वेज का उदय हुआ, लेकिन हम लोगों ने उसको शायद छोड़ दिया। योग अब आप उसकी बात करते हो, आयुर्वेद अभी कोरोना काल में शायद काफी लोगों ने सोचना शुरू, लेकिन ये सब चीजें उसी नेचर प्रकृति के साथ जुड़ी हुई बात है। हमारी जो बिल्डिंग्स है, हमारी जो इवन मॉन्यूमेंट्स रहे, ये सब हेरिटेज का भाग है। सबसे बड़ा हेरिटेज को समझने के लिए ना आप केवल एक गोत्र सिस्टम को अपने देख लीजिए। यह एक गोत्र सिस्टम पूरा जेनेटिक थ्योरी पे आधारित है, लेकिन क्या कभी यह सोचा कि अरे उस पीरियड में जब एक गोत्र सिस्टम आया तब जेनेटिक्स की कैसे स्टडी कर ली गई। आप आज की डेट के अंदर अगर इंडियंस की इम्यूनिटी थोड़ी हाई है क्योंकि आप उस गोत्र सिस्टम को अगर आपने फॉलो किया तो जो क्रॉस ब्रीडिंग कुछ चीजों पे मना थी आज भी है भाई, मना है। आपका खून आपको बाहर से लंग एक दिखाई देता है लेकिन उसके भी चार भाग हैं, ए बी प्लस ओ प्लस, किसी दूसरे खून चढ़ा दिया आदमी मर जाएगा। देखने उसका कलर ही तो बाहर से सेम है ना, लेकिन अंदर से तो कंपोजिशन उसका अलग है। तो ये जो जेनेटिक थ्योरी जो आज हम लोग पढ़ते हैं उसी के आधार पर बहुत एंशियंट रिसीज ने इसके ऊपर आपको खोज करके उन्होंने दे दिया, लेकिन उसकी हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। वह हमारा हेरिटेज के सेंस में है लेकिन हम शायद उस रूप में ना माने। और सबसे बड़ी बात देखिए, बड़े हेरिटेज ग्रुप में देखिए, एक ऐसी कम्युनिटी है जो आपके पूरे इतिहास को आज भी प्रिजर्व करके रखती है। गया चले जाइए आपको पता लग जाएगा आपके एंसेस्टर्स कौन थे, पूरा इतिहास उनके पास संकलित है। आप इस चीज को सोच सकते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा। भारत का हर एक व्यक्ति जो गोत्र जो भी रहा यहाँ का वासी, उसको एक आपका एक एंसेस्टर्स पूरी थ्योरी निकालना चाहे तो निकाल के वह लेकर आ सकता है, लेकिन हमें उससे शायद उतना मतलब नहीं, क्योंकि जो लोग प्रिजर्व करते हैं पता नहीं उन्हें क्या देते हैं हम उन्हें, जो क्यों वो कर रहे हैं। लेकिन है ठीक है, उनका भाव है, उन्हें लगा कि यही उनका कर्म है, वो करते हैं। इवन आज की इस हमारे इस धरती पर, भारत की धरती पर, चाहे किसी भी आप धर्म से बिलोंग करते हो या जाति से बिलोंग करते हो, रहने वाले तो यही करते हैं ना। बाद में किसी कारण से आप जिसमें बदलाव आ गया, चाहे आपने इच्छा से किया हो चाहे किसी कारण से किया हो, लेकिन मेन वासी यही है। मेन जो एंसेस्टर्स जो गोत्र सिस्टम उन्हीं ऋषियों की संतानें ही है सब। बाद में जो है जैसे तीन गोत्र से 3 से 13 गोत्र हुए, 13 गोत्र से 16 गोत्र हुए जयचंद के पीरियड के अंदर, तो पूरी आपको एंसेस्टर्स हिस्ट्री मिल जाती है। खैर, तो सबसे बड़ी बात अगर हम इसको देखें तो मेन चीज यही रहा कि भारतीय अगर हम हेरिटेज को अगर हमें समझना हुआ तो हमें इस भाव को, उस एनर्जी तत्व को जो मोस्ट साइंटिफिक फिनोमिना है, साइंस ही इन्वॉल्व है, उसको समझना होगा। फॉर्म हमारे पास है, बीच में स्प्रिट को जोड़ना होगा, तो शायद हम उसके हेरिटेज को सही ढंग से हम लोग समझ पाए। और यह भी बहुत जरूरी है, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, क्योंकि याद किसी भी व्यक्ति का जो समय है वह कभी एक जैसा नहीं रहता, बदलाव आते हैं, कभी कोई परेशानी आएगी, कभी कोई परेशानी आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आप हेरिटेज कल्चर से जुड़े हुए हो, उसी से जुड़े हुए हो, आपके अंदर भाव है, तो किसी ने हर समय आप एक कर्तव्य बोध से आप जुड़े रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई डेथ हो जाए, नेचुरल है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हुआ, लेकिन जहां यह भाव आपके अंदर आ गया, नहीं अभी कुछ आपके कर्तव्य हैं, अरे तेरे ही करनी है, वार्षिक करना, ये सब करना, यह कर्तव्य बोध आपको उस पीरियड से निकाल देता है। अब यह कर्तव्य बोध बहुत जरूरी है, साइकोलॉजिकल है, आपको एक साइकोलॉजिकल एक कर्तव्य बोध करा दिया जाता है कि नहीं रुको देखो ठीक है। फिर आप जैसे किसी भी उसमें जाइए, कहानियां आप कहानियों में देखेंगे कि साहब वो थे बहुत गरीब थे, उनकी बड़ी समस्याएं थी, फिर धीरे धीरे खत्म हुआ, उन्होंने ऐसे किया, तो आपको एक विश्वास सा होगा, एक साइकोलॉजिकल आपको स्ट्रेंथ मिलेगी कि मैं ही अकेला नहीं हूं झेलने वाला, सब झेलते हैं, समय बिता दो। जब इस धरती पे भगवान राम पैदा हुए, जब वो झेलने से नहीं बच पाए तो हमारी और आपकी क्या बिसात है, सब झेलेंगे। लेकिन मान लीजिए आप इससे न जुड़े हुए, इस साइकोलॉजी से हम न जुड़ पाए, तो आत्महत्या करना तो बहुत आसान है, तो हमें बचाएगा कौन, उस हमें शक्ति कौन देगा, समस्याएं तो आएंगी ही। खैर, तो इन चीजों को जब हम अगर हम समझे ना, तो शायद हम अपने इस भारतीय हेरिटेज को खास तौर से हम समझ पाएंगे, क्योंकि यह हेरिटेज ऐसा हेरिटेज आपके पास आया हुआ है जो मोस्ट एंशियंट है।
जो आपके हड़प्पन मोहनजोदड़ो पीरियड के अंदर जो आप उस वक्त का हेरिटेज था वो एज इट इज आज तक कंटिन्यूटी में चला आया। फॉर एग्जांपल मांग में सिंदूर भरने का आप जो है आपको रेफरेंसेस हड़प्पन पीरियड में मिल जाते हैं, ये चूड़ी जो है वहीं पर मिल जाती है, आपने गहने देखे हैं ना, गहने आपको हड़प्पन पीरियड में मिल जाएंगे, घरों के अंदर जो आप इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं ये आपको हड़प्पन पीरियड में मिल जाएंगे, जो आप पीसते हैं सिलबट्टा ये आपको वहां मिल जाएगा, एग्रीकल्चरल के जो प्रैक्टिसेस है इम्प्लीमेंट्स वो आपको वहां मिल जाएगा। तो क्या मतलब सोचें, जो आज कुछ कुछ भी करते हैं वो चीज आज की थोड़ी डेवलप्ड है, बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। तो मैंने जैसे पहले कहा कि उसमें चाहे वैदिक पीरियड हो, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जितने भी वो सब रहे, सबने अपना अपना योगदान देते हुए एक प्रवाह रही, चलती चली गई। एक चीज और याद रखिएगा हमेशा, चाहे वह बुद्धिज्म हुआ, चाहे जैनिज्म हुआ, चाहे सिखिज्म हुआ, अपने समय पर ये चीजें आई, लेकिन महात्मा बुद्ध ने कभी भी नए धर्म की बात नहीं की है, जैनिज्म ने कभी भी नए धर्म की बात नहीं की, जब गुरु नानक जी पैदा हुए उस पीरियड में उन्होंने कभी भी नए धर्म की बात नहीं की, यह बाद में जो है नए धर्म के रूप में विकसित हुआ। उन लोगों की जो अपनी मान्यताएं थी, सब ने केवल एक चीज की व्याख्या की, उपनिषदों की। अगर कोई उपनिषद पढ़ेगा तो आपको बुद्धिज्म भी समझ आ जाएगा, जैनिज्म भी, सिखिज्म भी, सब, क्योंकि उस उपनिषद की कुछ कुछ चीजों को उन्होंने, उनका विश्वास हुआ, उन्होंने उसको पढ़ा समझा, उन्होंने उन्हें लगा कि ठीक है, उसको उन्होंने प्रोपेगेट किया, बाद में उसी को आपने रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कभी नए धर्म की बात कहाँ की है, किस लिटरेचर में आपको मिलता है, कहीं है ही नहीं। जैनिज्म में कोई नए धर्म के बाद में जो है, चाहे वह पॉलिटिकल रूप में रहा हो या गुरु नानक का पूरा इतिहास आप पढ़ जाए, कहीं नए धर्म की बात उन्होंने नहीं की है, क्योंकि अलग तो हो ही नहीं सकते थे, अलग कैसे होंगे आप बताइए, जन्म जीवन से लेके मृत्यु तक तो सारे वही फिनोमेना आपको फॉलो करने हैं, क्या अलग कर लेंगे आप। तो कहने का मतलब ये है कि सभी के योगदान से चीजें मिलती हुई चली गई, जो कि साइकोलॉजी और एनर्जी का मेन तत्व रहा। मेन चीज आती है कि इसका रोल क्या है, क्यों हम इसे जाने और समझें। यह एक जो भी आपके पुराने जो भी हमारे पूर्वज थे, जो उन्होंने वैल्यूज को जो है पेनिट्रेट किया, जो हिस्टोरिकल हमारी वैल्यूज हैं, वह कैसे पास ऑन होंगी, उसको कैरियर कौन करेगा, कैरियर ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू फ्रॉम पास्ट इज हेरिटेज, दैट इज द ड्यूटी ऑफ दिस हेरिटेज फिनोमिना, कि वह कैरी करता है वैल्यूज को, हिस्टोरिकल वैल्यू को, पुराने से नए समय में, या एक सोसाइटी की आइडेंटिटी को देता है, यह रोल है हेरिटेज का। इट्स ए पार्ट ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन, हेरिटेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि वह कल्चरल ट्रेडिशन को डिसाइड करता है, यह डायरेक्शन देता है, हेरिटेज एक डायरेक्शन देता है समाज को, यह रेगुलेट करता है सोसाइटी को, यह आपकी पर्सनैलिटी को डिसाइड करता है। अब इस हेरिटेज को समझने के लिए आप अपने बिल्डिंग्स को देखिए, आप अपने मॉन्यूमेंट्स को देखिए, आप अपने खंडहरों को देखिए, रूम्स को देखिए, आप अपने ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस को देखिए, आप जो भी लोकल कल्चर ट्रेडिशन जिसका पालन करते हैं उनको आप देखिए, आप अपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर को देखिए, आप अपने आर्कियोलॉजी को देखिए, आप अपने नेचुरल साइट्स को देखिए, आप अपने फैमिली पैटर्न्स को देखिए, घर के अंदर जो चीजें होती हैं वो सब हेरिटेज से ही जुड़ा हुआ है, पीछे से ट्रांसफर होके चली आएगी। आपकी जो प्रैक्टिसेस है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, सोशल प्रैक्टिसेस हैं, यह आपका हेरिटेज है। आपका जो कम्युनिटी के अंदर जो आप जिसको मान्यता रखते हो वह आपका हेरिटेज है। आपके जो लोक संगीत है, फोल्क रोल, आपका आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ, आपका वेज ऑफ लाइफ हुआ, आपका ड्रेस कोड हुआ, आपका फूड हुआ, आपका हैबिट्स हुआ, आपका स्मेल हुआ, आपके जो कलर है, आपका जो सोशल सिस्टम है, आपके जो कल्चरल सेलिब्रेशंस हैं, फेयर एंड फेस्टिवल्स है, आपका डांस है, म्यूजिक है, ड्रामा है, आपका जो सेटिंग पैटर्न है, किस तरह से आप लिविंग पैटर्न है आपका, आपका स्ट्रीट फैशन पैटर्न कैसा है, आपके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कैसे हैं, इन सभी चीजों को जब आप कंबाइन करते हैं ना, तब आपको समझ आता है कि ओह, दिस इज माय हेरिटेज। अगर हम इसी हेरिटेज को अगर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में अगर हम डिवाइड करें, तो एक नेचुरल अट्रैक्शंस की कैटेगरी आती है, जिसमें आपके नेचुरल रिजर्व्स में जो नेचुरल नेचर के अंदर जो आपकी पगडंडियां हुई, जो रेयर ब्रीड सेंटर्स हो गए, जो हमारे वाइल्ड लाइफ पार्क्स हो गए, हमारे जो जूज हो गए, बटरफ्लाई पार्क्स हो गए, जियोलॉजिकल जो हमारे सेंटर्स हुए, क्लिप्स हुए, हमारे वाटरफॉल्स हुए, ये सब चीजें हमारी नेचुरल हेरिटेज में आ जाती हैं। इसी तरह से सोशियो कल्चरल हेरिटेज होता है ये, जिसमें प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक साइट्स हैं, बहुत सी हैं, आप नाम लेने बैठे तो 4 घंटे उसी में निकल जाएंगे। जो आपके डिस्प्ले है होती हैं, जो डोमेस्टिक हाउस में जो डिस्प्ले है, जो म्यूजियम्स है, जो कॉस्ट्यूम्स है, यह आपका हेरिटेज है। आपके जो साइट्स रिलेटेड है, जो आपके एपिक्स से, एपिक आप समझते होंगे, हाँ, उससे जितने साइट्स आपके रिलेटेड हो आपका हेरिटेज है। आपका जीवन जीने का ढंग, आपका बिहेव करने का ढंग, आपके स्टोरी, जो आपने कहानियां सुनी हो अपने दादा से, परदादा से, चाचा चाची से, जो भी, वो आपका हेरिटेज है, वो डिपिक्ट करता है। इसी तरह से एक कैटेगरी बनती है जो पैलेस, फोर्ट, हवेली, वो
बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स के रूप में आया, स्टेटली एंसेस्ट्रल होम्स, वह एक हेरिटेज की कैटेगरी बनती है। इसी तरह से आपके रिलीजियस अट्रैक्शंस हैं जो हेरिटेज की कैटेगरी में आता है, आपके टेम्पल्स हो गए, समाधि हो गई, मॉस्क हो गए, टॉम्स हो गए, दरगाह हो गया, गुरुद्वारा हो गया, चर्चेज हो गए, वेल्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ग्राम देवता, कुल देवता, जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस होंगे, ये सब आपके रिलीजियस अट्रैक्शन हेरिटेज की कैटेगरी में आता है। इसी तरह से साइंस बेस्ड अट्रैक्शंस हैं, जो टेक्नोलॉजी पार्क हैं या सेंटर्स हैं, कुछ प्राइमरी प्रोडक्शंस हैं जिनके बेस पे हेरिटेज डिसाइड होता है, जो एग्रीकल्चर अट्रैक्शंस हैं, फॉर्म्स हैं, फिशिंग एरियाज हैं, माइनिंग है, वाटर रिजर्वायर्स हैं, सब हेरिटेज के अंदर आते हैं। आपके क्राफ्ट सेंटर्स हुए, वर्कशॉप हुए, वाटर, विंडमिल्स, पोर्टर्स, वुड कार्वर्स, ग्लास मेकर, ये सब हेरिटेज की कैटेगरी के अंदर चले आते हैं। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग हेरिटेज बहुत से हैं आपके, जहाँ पे मास प्रोड्यूस होता है, पॉटरी हुई, चाहे ब्रासवेयर हुआ, चाहे बैंगल्स हुआ, कारपेट्स हुआ, टी गार्डन्स हुए। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बहुत से हेरिटेज हैं, बहुत से हेरिटेज हैं जो पर्सनालिटी से एसोसिएटेड आपको मिलेंगे, बहुत से साइट्स हैं, एरियाज हैं, चाहे राइटर्स हुआ, चाहे पेंटर्स हुआ, चाहे सोशल वर्कर्स हुए, पॉलिटिकल हुए, फिगर हुए, फ्रीडम फाइटर्स हुए, किंग्स क्वीन जो भी है, आर्मी पर्सन हुए, स्पोर्ट्स पर्सन हुए, फिर जो फिल्म पर्सनालिटी हुई, बहुत से रिजॉर्ट्स एरियाज हैं, वे सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं अट्रैक्शन एसोसिएटेड विद हिस्टोरिक पर्सन, वह हेरिटेज बनता है। इसी तरह से परफॉर्मिंग आर्ट भी एक कैटेगरी होती है हेरिटेज की, जिसमें आपके थिएटर्स आ गए, स्टेट बेस्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स आ गया, सर्कस आ गया, म्यूजिकल ग्रुप्स आ गए, कव्वाली आ गई, डांस, ड्रामा, सब वो चीजें आपकी हेरिटेज की कैटेगरी में आ जाती है। फेयर एंड फेस्टिवल्स एक हेरिटेज की कैटेगरी है, जिसमें हिस्टोरिक फेला, नौचंदी का मेला सबने सुना होगा, या गांव देहात में देखिए हर पीरियड के अंदर कुछ कुछ समय के बाद बहुत से मेले लगते हैं। अब पहले बचपन में तो मैंने भी देखे थे, अब नहीं जानता किस स्टेज पर है वे, लेकिन बहुत से मेले मैंने भी देखे, यूपी में ही देखा, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत से मेले देखे, बहुत से ऐसी गैदरिंग्स हैं, प्रोसेशंस हैं, सीजनल फास्टिंग या जो फेयर्स हुए, हाँ जैसे ताजिया निकलती है, विलेज लेवल कॉम्पिटिशंस, आप अब किसी वक्त में एक गुड़िया खेल खेला जाता था, अब पता नहीं अब किस रूप में खेलते हैं, नहीं जानता वह, लेकिन वह पूरे एक हेरिटेज ट्रेडिशन से चला आया, जहाँ पे विलेज लेवल पे हर गाँव में कॉम्पिटिशन आपको मिलेगा, या बहुत से ऐसे खेल आपको मिलते हैं, जैसे मैंने खेला हुआ है, एक खैलर खेल होता है, खैलर के नाम से, अब कोई भी अगर उस यूपी रीजन से हो तो जानता होगा, एक चिल्होर पाती, पेड़ पे चढ़कर कूदने के, फिर गिल्ली डंडा सभी जानते हैं। तो इस तरह से बहुत से गेम्स हैं जो आपके हेरिटेज के आए, लेकिन आज के इस मॉडर्न उसके अंदर शायद वो छूट गया, लोग उसको अब नहीं सेलिब्रेट करते, बहुत सी चीजें हैं छूट जाती हैं। अब आज की जनरेशन तो मोबाइल जनरेशन है साहब, उसने तो मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलेगी, तो बाकी चीजें क्या करेगी वो, क्यों बदलाव, इसलिए क्योंकि बदलाव मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, मैं तो शुरू से दिल्ली में रहा, तो दिल्ली में मुझे याद है आज से 20-25 साल पहले किस तरह से होली सेलिब्रेशन होती थी, पूरा झुंड का झुंड निकलता था, या हर जो है बिल्डिंग के बाहर वहाँ के जो बच्चे थे जन्माष्टमी मनाते थे उसके बाहर ही, अब सब कुछ चीजें खत्म हो गई हैं, रामलीला का मंचन जगह जगह होता था लेकिन अब नहीं हो पाता है। तो आप जैसे पुराने गेम देखिए, बहुत से छोटी छोटी चीजों से जो है गेम हो जाती थी, तो सब चीजें पीछे से ही ट्रांसफर हुई, लेकिन समय के साथ चीजें बदल गई। इसी तरह से हेरिटेज की कैटेगरी में एक मिलिट्री अट्रैक्शंस भी बहुत से हैं आपके हेरिटेज के रूप में, जो बैटल ग्राउंड्स हुए जहाँ पे काफी लड़ाइयां हुई, चाहे कुरुक्षेत्र का मैदान हुआ, पानीपत का मैदान हुआ, बहुत से नेवल डॉकयार्ड्स हैं, बहुत से मिलिट्री म्यूजियम्स हैं, बहुत से कैसल्स हैं जिनमें, या इसी तरह से हेरिटेज की कैटेगरी के अंदर एक आते हैं आपके रीजन्स, ट्रीज, एनिमल्स हुए, माउंटेन्स हैं जिनको आप पवित्र मानते हैं, बहुत से ट्रीज हैं, तुलसी, पीपल, जबकि साइंटिफिक है उन चीजों को मानना, क्योंकि साइंस से बाद में चीजें पता लगी कि उनका इस एनवायरमेंट में क्या जरूरत है, क्यों जो है एक आदमी जो है आम का पेड़ नहीं कटवाता, उसके साथ कुछ चीजें जोड़ दी गई, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, अब समझ आता है कि इन्वायरमेंट में उनसे महत्वपूर्ण तो, क्योंकि उनमें भी जीव है, सुबह जगदीश चंद्र बसु ने खोज किया, लेकिन ठीक है वे भी कोई निर्जीव थोड़े हैं, उनमें भी जीव है, उनको भी दर्द होता है, वे भी माइक्रोवेव्स जो है निकालते हैं, जुड़े हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, आपस में बात करते हैं, हम लोग ना समझ पाते हो, लेकिन कोई निर्जीव नहीं, सजीव चीजें हैं। तो इसी तरह से सब चीज, क्योंकि तत्व तो वही है, एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन आप देखेंगे, एटम्स तो उनमें भी है, इलेक्ट्रॉनिक का प्रवाह उनमें भी है, तो कैसे निर्जीव हो जाएगा। वेल, तो ऐसे बहुत से जीव हैं जो आप, जिनकी आप मान्यता है आपकी करते हैं। खैर, अब इसी हेरिटेज को अगर हम उस रूप में देखेंगे साहब, चलिए ये सब तो बातें हुई, हम कौन कौन से ऐसे बिल्डिंग्स के रूप में आदमी आसानी से समझ जाता है कि कौन कौन से उसमें, अब ऐसे तो हजारों बिल्डिंग्स हैं,
लेकिन भारत के अंदर जैसे यूनेस्को ने नियरली जो है कल्चरल जो हमारी हेरिटेज हैं वो 30 के आसपास उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, नेचुरल 7 हेरिटेज उन्होंने डिक्लेयर किए हुए हैं, और मिक्स्ड जो है 1 हेरिटेज उन्होंने डिक्लेयर किया है, और इसी तरह से टेंटेटिव लिस्ट में मोर देन 42 मॉन्यूमेंट्स और चीजें हैं जो वे डिक्लेयर उन्होंने किया हुआ है। तो अगर ऐसे जनरल अगर हम करें तो आगरा का फोर्ट है वह आपका हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स के रूप में, अजंता आर्कियोलॉजिकल नालंदा की जो साइट्स हैं, सांची जो है, पावगढ़ का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यह आपका हेरिटेज मॉन्यूमेंट के रूप में है, जो गोवा के चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स है वो आपके हेरिटेज के रूप में, एलिफेंटा केव्स हुआ, एलेरा केव्स हुआ, फतेहपुर सीकरी हुआ, चोल टेम्पल्स हुए, सब हमारे हेरिटेज हैं। हम्पी कभी जाएं देख कर आए तो दंग रह जाएंगे कि कैसे बना उस पीरियड के अंदर। महाबलपुरम, पट्टदकल, ऐहोल, बीजापुर, बदामी, पट्टदकल जाइए तो दंग रहेंगे कैसे चीजें बनी, उनको बनाने वाले कौन थे, किसी का नाम आपको इस रूप में नहीं मिलेगा क्योंकि व्यक्ति वहां इंपॉर्टेंस नहीं रखता था। अब जैसे राजस्थान के जो फोर्ट्स देख लीजिए, अहमदाबाद पूरी सिटी है, हुमायूं टॉम्ब देखिए दिल्ली का, जयपुर राजस्थान का जयपुर सिटी, ये हेरिटेज के कैटेगरी में इनको डिक्लेयर्ड है यूनेस्को के द्वारा। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, खजुराहो के मंदिर देखिए तो पता लगेगा कि किस भाव से चीजें चली। महाबोधि का टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया, जो माउंटेन रेलवेज है वे है आपके हम लोगों के हेरिटेज में। कुतुब मीनार हुआ, रानी की वाव, रेड फोर्ट, रॉकशेयर, भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर, सन टेम्पल कोनार का, ताजमहल, जंतर मंतर। तो इस तरह से मिलाते हुए बहुत से नेचुरल साइट्स भी हैं जो हेरिटेज कहलाती हैं, जो हिमालयन के नेशनल पार्क्स हैं वे हेरिटेज हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क है वह हेरिटेज की कैटेगरी में, नेचुरल हेरिटेज की कैटेगरी में है, केवलादेव नेशनल पार्क है भरतपुर का वो हमारी हेरिटेज की कैटेगरी के अंदर है, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है वो हेरिटेज की कैटेगरी में है, सुंदरबन और वेस्टर्न घाट्स, ये सब नेचुरल हेरिटेज है जो यूनेस्को ने डिसाइड किए हुए हैं। तो इस तरह के हेरिटेज हमारे भारत में मिलते हैं। अब एक चीज है, अब मेन चीज आती है कि साहब चलो ये तो मॉन्यूमेंट है जो ऐसे हमें दिखाई देता है, लेकिन जो मेन चीज जो घरों घरों में जो हम लोग पाते हैं वो किसी भी रिलीजन से जुड़ा हुआ हो, वह चीजें शायद उतने आसानी से नहीं समझ आती कि क्यों, मेनली रिलेटेड हो जाती है प्रैक्टिसेस से, जिसे हम लोग ट्रेडिशन के रूप में भी कह देते हैं या हम लोग कल्चरल फॉर्म्स के रूप में भी कह सकते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि इस हेरिटेज को जो भी हम लोग फॉलो करते हैं उसको समझने के लिए हमें हिस्ट्री की समझ होनी चाहिए, हमें आर्कियोलॉजी की समझ होनी चाहिए, हमें ज्योग्राफी की समझ होनी चाहिए, हमें साइंस की समझ होनी चाहिए, हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की समझ होनी चाहिए, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की समझ हो, और भी चार तरह के फोर्सेस हैं इस ब्रह्मांड के अंदर उसकी समझ हो, तब तो हम समझेंगे एक चीज कहाँ से निकल कर आई। साइकोलॉजी का ज्ञान हो, सोशियोलॉजी का ज्ञान हो, बॉटनी का ज्ञान हो, एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान हो, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान हो, मेडिकल साइंस हमें पता हो, है ना, हमें पूरा जो लाइट का जो पूरा कॉन्सेप्ट हो वह पता हो, हमें कलर कैसे बिहेव करता है, वेव्स कैसे बिहेव करते हैं। अब इतनी चीजों के बारे में अगर आप डीपली, और भी बहुत सी चीजें हैं आपके पास डीप ज्ञान होगा, तब आपको समझ आएगा कि हो ये चीज ऐसे आई। अब ये क्या पॉसिबल है कि एक जनरेशन में या 100 साल की उम्र में भी आप उसके से एक दो चीजों के ही एक्सपर्ट बन पाएंगे? तो मतलब वही है, लेकिन हम उनको दकियानुसी नहीं कह सकते, बहुत सी चीजें आ गई उनके पीछे कारण रहे हैं, वो कारण हमें समझने के लिए उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास देखना होगा। या जैसे मैं कहूं कि एक 10 साल का बच्चा नासा पे कमेंट करने लग जाए तो शायद आप एक्सेप्टेबल ना हो। तो यह हमारी प्रॉब्लम है नॉलेज को समझने की, ये बहुत बड़ा एक ज्ञान है, एक साइंटिफिक थ्योरी है, लेकिन समझने के लिए हमें बहुत सी चीजों का ज्ञान चाहिए, तब तो जाके हमें समझ में आएगा कि ये चीज इस रूप में हुई। तो या एक एक प्रॉब्लम के रूप में आ जाती है। या आज की डेट में आपने देखा होगा कि हर एक चीज एक्सपोज हो गई है, एक्सपोजर जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमारी सोच जो है बदल गई है एक्सपोजर से। सबसे बड़ी बात आती है सोच बदल, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं जाननी चाहिए या जिस पीरियड में हमें नहीं जाननी चाहिए हम जान गए। एक्सपोजर जो है अच्छा भी करता है और बुरा भी करता है। अच्छा उसने ठीक है डेवलपमेंट के आधार पे, सोच के आधार पे, पॉलिटिकल लेवल पे अच्छा किया, लेकिन ट्रेडिशनल लेवल पे उसने आपको कहीं ना कहीं या मानसिक रूप से आपको कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी उसने क्रिएट कर दी। प्रॉब्लम ऑफ रूट है हम लोगों के अंदर कि जो है हम अपने जड़ से नहीं जुड़े हुए, हमें पीछे का नहीं पता हुआ कि वो कैसे चीज ट्रांसफर हुई, इसके एनर्जी तत्व तो क्या रहा। और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ट्रेडिशन आपके बड़े कॉम्प्लेक्स है, उनको समझना इतना आसान नहीं, क्योंकि
पूर्वजों से भी पूछें तो शायद वे लोग उसका मीनिंग हमें ना बता पाए, तो हम अपने जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी मैं उसको मीनिंग क्या बताऊं। ठीक है, हम तो यही कहेंगे भाई वो करते थे हम कर रहे हैं आप भी ऐसा करो, नई जनरेशन शायद उस चीज को इस रूप में ना ले। वैलिडेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, फॉर्म की प्रॉब्लम आ जाती है, जो हमारे मॉडर्न लाइफ पैटर्न है इसके कारण ये कॉम्प्लेक्स है। हर एक आदमी एक आप देखिए एक दबाव में है, साइकोलॉजिकल कोई एक दबाव है क्योंकि लाइफस्टाइल बदल गई। पहले का था कि भाई मोटा खाना, मोटा पहनना, मोटा सोचना, अब वो बदल गया, खान पान बदल गया, पहनाव बदल गया, अब उसी के जद्दोजहद में ही लग गए, बाकी चीजें सोचने का समय नहीं मिल पाया। और एक चीज और भी भारत के केस में है, भारत के केस के अंदर यह बड़ा आसान है ना कहना कि जो भी इन्वेंशन आप देखते हो बाहर हुए, लेकिन उन्होंने इन्वेंशन किए क्या? उन्होंने इन्वेंशन वो किए जो मशीनी युग के तहत जिससे उनकी लाइफ आसान बने, या उनकी ये इन्वेंशन इसमें हुई कि खान पीने को लेकर उसमें? तो हमारे देश में इन चीजों की कभी कमी रही ही नहीं। आप इस देश के अंदर जितने रिसोर्सेज रहे हैं, बात अलग है, हमारी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से बहुत ज्यादा दबाव है। आप हमारी आबादी 130 135 करोड़ तो हो ही रही, पूरी विश्व के अंदर अगर आप निगाह डालिए तो अमेरिका की आबादी 30 करोड़ कहाँ से मुकाबला करेंगे, रशिया की आबादी 18 करोड़ कहाँ से मुकाबला करेंगे, चाइना एक है, हो सकता है अगर इसी मेहनत से चले तो बहुत जल्दी उन्हें भी पीछे कर देंगे, तो एक चाइना ही है जो हमसे थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन वहां पे वह फ्रीडम नहीं है जो हम लोग इंजॉय करते हैं, वहां पर वो चीज वह पैटर्न नहीं है जो हम लोग यहाँ पे महसूस करते हैं, वो दूसरा है, वो तो दूसरा ही है, वो तो एक रात अभी कुछ समय जब ओलंपिक हुए थे 15 लाख लोगों को उसने डिस्प्लेस कर दिया, किसी ने चू तक नहीं किया। आप हमारे यहाँ किसी एक बिल्डिंग को हटा कर दिखा दीजिए, पूरे जो है उस पे सारे कानूनी पेच अड़ंगे आ जाते हैं, तो वहां का पैटर्न दूसरा है। यूरोप की कोई कंट्री आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी आबादी 6-7 करोड़ से ज्यादा हो, कहां से मुकाबला करेंगे हम? हाँ, आपका ऑस्ट्रेलिया की कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसकी आबादी जो है थोड़ी ज्यादा हो, सब 2-3 करोड़ आबादी, ऑस्ट्रेलिया की जितनी आबादी उतनी आबादी तो हम लोग हर साल पैदा कर देते हैं, फिर जो है कंपैरिजन कैसे कर लेंगे? तो इतनी आबादी होने के बावजूद भी कम से कम वह उस तरह की भूखमरी तो नहीं है ना, तो क्यों नहीं ऐसा है? क्योंकि हमारे यहाँ रिसोर्सेज हैं, जमीने हैं, बड़ी उपजाऊ जमीने हैं, है ना, इस तरह का पानी रहा, लोगों का इस तरह का खान पान रहा कि चीजें बस्ती चली आई। तो खैर, लेकिन यह जो आज की युग की जो टेंशन, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कंपटीशन जिसमें हम लोग फंस गए, यह जो है हमें हेरिटेज और कल्चर को समझने में दिक्कत करता है। वेल, अगर समय समाप्ति हो गया हो तो मैं बंद करूं, या अगर समय हो तो कुछ और बातें कहूं? नहीं, बस टाइम हो गया सर। तो टाइम हो गया सर, मैं हाँ, तो मैं सोचता हूँ जो मैंने समझा था, मुझे जो इंडियन हेरिटेज के बारे में कहा गया था कहने के लिए, तो मेरा यही मानना है कि जो भी heritage is something which has been transferred from previous generation. तो जो भी आपकी previous generation से transfer हुई है, आपके पास आई है, वही आपका heritage है। अब यह heritage जो है बैक की बैक डिपेंड कर जाता है, जरूरी नहीं है जो national heritage है वो तो सभी के हैं, लेकिन हो सकता है मेरा हेरिटेज वह हो कि शालिग्राम की छोटी सी मूर्ति पे मेरा भाव है वह मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखता हो, कोई चीज शायद मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंस ना रखे, तो मेरा हेरिटेज वह व्यक्ति विशेष पर भी डिपेंड कर जाता है, जो एक एक फैमिली पैटर्न के ऊपर डिपेंड कर जाती है। बस बेसिक यही है कि जो भी चीजें पीछे से ट्रांसफर हुई और उसको समझने के लिए उसमें दो चीजों का समझना जरूरी है, उसके फॉर्म को समझिए और उसके स्प्रिट को समझिए, तो आप अपने हेरिटेज को समझ पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर अरविंद कुमार दुबे साहब, आपने बड़े विस्तार से हेरिटेज के बारे में बताया। बहुत सारी चीजें अभी तक ज्यादातर लोग या हम लोग भी यही सोचते थे कि हेरिटेज का मतलब केवल रेड फोर्ट और ये जितनी बिल्डिंग्स हैं वही हैं, लेकिन आपने जो इनहेरिटेंस के बारे में जो चीजें बताई बहुत विस्तार से बताई और बहुत इफेक्टिव और वैल्यूएबल जानकारी आपने दी। नाउ आपने इसको जितना जिस प्रकार विज्ञान के साथ इसको हेरिटेज को लिंक किया वो काबिले तारीफ है, और मैं समझता हूँ कि हमारे पार्टिसिपेंट्स ने इसको बहुत अच्छी तरह से इसका मतलब उनको लाभ मिलेगा, और धन्यवाद। तो अब डॉक्टर अरविंद कुमार दुबे साहब के बाद मैं आई इनवाइट टू डॉक्टर आवर फर्स्ट कीनोट स्पीकर डॉक्टर अनूप कुमार। ही इज प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स इन VA गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अतरौली। डॉक्टर अनूप कुमार जी, अगर मेरी आवाज़ सुनने हो तो लिंक होने की कोशिश करें। डॉक्टर अनूप कुमार साहब, इनकी
he had a wide knowledge of other subjects also about except the economics. He has completed. Sir, meri awaaz aa rahi hai? Haan sir, aa rahi hai sir, aa rahi hai. He has completed net UGC net in two subjects as well as in economics and history. Yes sir. And he has 18 years of teaching experience. He is also lieutenant of NCC in our college. So I invite Dr. Anup Kumar, Professor Anup Kumar, to deliver his speech on the Indian heritage. Dr. Anup Kumar. Thank you, sir. Hello. Yes. जी सर आवाज आ रही है पर यू आर नॉट विजिबल. विजिबल है सर, ऑडिबल है. विजिबल भी है, ऑडिबल भी है. विजिबल भी है सर, लेकिन फेस नहीं दिखाई दे रहा सर स्क्रीन पर. नहीं दिखाई दे रहा सर. आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है. अरे मेरे स्क्रीन पे नहीं यार. नहीं सर, आ रहा है इनका, आ रहा फेस आ गया. थैंक यू सर. आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया. मुझे लग रहा बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी आप लोगों के होते हुए मुझे बोलने का मौका दिया है. और जहां तक नॉलेज की बात है वो तो देखिए किसी पे भी थोड़ी बहुत सब पे ही होती है, बस शेयर करने का मौका आपने दिया, मैं बहुत ओब्लाइज फील कर रहा हूँ. अब चूंकि मेन टॉपिक जो संस्कृति के बारे में है उसके जो इस पूरे इस वेबिनार का जो ओवरऑल टॉपिक है हमारी संस्कृति एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके बारे में ही क्वेश्चनों को डिस्कस करना है. बेसिकली हेरिटेज के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने बात कर ली थी, जो मुझे थोड़े व्यूज अपने लग रहे हैं मैं देना चाहूंगा आज उसमें. हेलो हेलो. हाँ कैरी ऑन सर. मेरे स्क्रीन पे अनूप सर का वो नहीं आ रहा है, विजिबल नहीं हो रहा. आ रही है सर, आ रही है आवाज. नहीं आवाज तो आ रही है, स्क्रीन पे फोटो नहीं आ रहा सर. इसकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, इनके उसमें आ रहा है, मेन स्क्रीन पे नहीं आ रहा. मूव करेंगे तो आ जाएगा. कैरी ऑन सर, कैरी ऑन. हाँ सर, ठीक है. अच्छा सबसे पहले तो सर एक डिस्क्लेमर टाइप समझ लीजिए, ये जो भी मतलब जो बात मैं कहने जा रहा हूँ सच को मैंने इन्वेंट नहीं करी है, सब थॉट्स होती हैं, बड़े बड़े विचारक हैं, फिलोसफर्स हैं, उनके होते हैं, उन्हें मिला के हम एक नई कोई चीज बना लेते हैं, वो नई हो जाती है. सच मेरा कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से कुछ पैदा कर दी. और ये भी है बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे भी क्लियर नहीं होते हैं, पढ़ते पढ़ते कुछ के पता चल जाते हैं कुछ के नहीं पता चलते हैं. लेकिन फिर भी जो चीज मुझे इफेक्ट लगी आप लोग सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे इफेक्ट करा कि मुझे लगता है कि आज आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, वो मैंने कुछ पॉइंट्स जोड़ के एक छोटा सा कोशिश करी है कि आप लोगों को भी उसमें जोड़ने की कोशिश करूं. तो यहाँ तक संस्कृति की बात है और अभी जैसे हम लोग सब बात कर रहे हैं जो इश्यूज आते हैं कि साहब हमारी संस्कृति अच्छी है और हमारी संस्कृति में ये रहा वो रहा, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करके दूसरे पॉइंट पे ले जाना चाह रहा हूँ. सबसे पहले बात ये है कि जो संस्कृति होती है, संस्कृति किसी भी रीजन की हो, कंट्री की हो, लोकल संस्कृति हो, उसके कई सारे फैक्टर होते हैं जिसके बेस पर डेवलप होती है. जैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर होते हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं कुछ है, कहीं समुद्र हैं, कहीं रेगिस्तान है. उसके बाद एक हिस्टोरिकल फैक्टर्स होते हैं कि कहाँ किस टाइप की हिस्टोरिकल फोर्सेज ने काम करा है. लेकिन कोई भी संस्कृति कहीं की भी डेवलप हो उसका एक जो बहुत मेजर पोर्शन जो होता है वो वहाँ के रिलीजियस प्रैक्टिसेस से डेवलप होता है. रिलीजियस प्रैक्टिसेस कहाँ रही है, रिलीजियस प्रैक्टिस और रिलीजन इतने टाइप का है, कहीं किसी और फॉर्म में रिलीजन डेवलप होता है, किसी कंट्री में किसी टाइप का रिलीजन फॉर्म होता है, रिलीजन भी बदलता रहता है. अपने कंट्री में भी देखेंगे तो अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदुइज्म वो हिंदुइज्म आज नहीं है जो पहले कभी ओरिजिनेट हुआ था. तो अब रिलीजन और इसकी जो बात करते हैं संस्कृति की, संस्कृति का मतलब लगभग मेजर पोर्शन रिलीजन से रिलेटेड हो जाता है, क्योंकि संस्कृति की जो मेजर एस्पेक्ट्स है, चाहे वो त्योहार हो, चाहे हमारे छोटे कस्टम्स हो, चाहे हमारी आर्किटेक्चर हो, चाहे हमारी लिटरेचर हो, ये ज्यादातर चीजें कहीं ना कहीं रिलीजियस बेस्ड हो जाती है, क्योंकि जो चीज रिलीजियस से जुड़ जाती है उसकी लाइफ थोड़ी काफी बढ़ जाती है उसकी लाइफ. अब रिलीजियस के बारे में सबसे बड़ी खास बात क्या है, मैं बेसिकली रिलीजन को फोकस करते हुए उसमें भी हिंदुइज्म रिलीजन को फोकस करते हुए मैं कुछ पॉइंट पे आपका ध्यान लाना चाह रहा हूँ. रिलीजन की सबसे बड़ी बात क्या है, जो रिलीजन के जितने भी हेलो सर. हेलो एक्सक्यूज मी सर. हाँ मैं ये कह रहा था. हेलो मेन वीडियो पर पिक्चर नहीं आ रही है सर अनूप जी की. हाँ नहीं आ रही है, वीडियो है उस पर नहीं. वीडियो पर आवाज आ रही है इनके उसमें तो आ रही है, लेकिन जो मेन जो पिक्चर में वीडियो होना चाहिए तो सुनील जी देख लेंगे. आ रही है
सर मेन उस पर नहीं आ रही है पिक्चर को। नहीं मेन आप क्लिक कर दीजिए सर, अपना अपना मेन क्लिक कर लीजिए आप, इनकी फोटो को क्लिक कर लीजिए, आपकी आवाज आ जाएगी सर, आपकी पिक्चर आ जाएगी। नहीं पार्टिसिपेंट्स के नहीं आ रहा सर। नहीं पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेंट जब इनको क्लिक पार्टिसिपेंट का आ रहा है कि उनका नो वीडियोस देयर। अरे सर नहीं आ रहा सर। आप जो है उनके फोटो को आप उनके फोटो को क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। नहीं आ रहा सर क्लिक करके। सर सर मेरी बात सुनो। हमारा आ रहा है सर। अरे वीडियो पे एम्फेसाइज मत करो, मुझे टाइम लग रहा है, काम है, बात पूरी नहीं हो पाएगी फिर। हाँ चलिए बोलिए बोलिए। हाँ छोड़िए, वीडियो कोई ऐसा इम्पोर्टेंट मसला नहीं है। आ गया आ गया। अब मैं बोलिए तो जहां तक मैं रिलीजन की बात कर रहा हूँ, रिलीजन हाँ रिलीजन और संस्कृति जहां तक है, क्योंकि संस्कृति और रिलीजन लगभग मिक्स कॉन्सेप्ट है। इनके सबसे बड़ी बात जो है कि जितने भी मोस्ट ऑफ द जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, सांस्कृतिक चीजें जितनी हैं, उसके पीछे बेसिकली कोई रीजन नहीं होता है, कोई लॉजिक नहीं होता है, ये सारी इलॉजिकल चीजें हैं। ठीक है, किसके पीछे अगर आप लॉजिक निकालने जाओगे, रीजन निकालने जाओगे किस वजह से है, इसके पीछे कोई रीजन नहीं, कोई लॉजिक नहीं, आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आया, उसने सीधे से रिलीजन से जोड़ दिया और इसे क्या है संस्कृति से कहीं ना कहीं जोड़ दिया। और इसी में एक फिलोसोफर ने कह दी कि सबसे बड़ा इलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है वो भगवान के नाम का है, कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, आज तक कोई प्रूव नहीं कर पाया, लेकिन सब पूरे पूरे वर्ल्ड का पूरे सारा आज तक की जितनी ह्यूमन नॉलेज है वो आज तक इसे 100% प्रूफ नहीं कर पाया कि गॉड है या नहीं है। और इवन एक कोट है कि ये हेलो हाँ अरे आवाज बोलिए सर बोलिए। हाँ सर, इवन एक फिलोसोफर की कोट ये है कि ये नहीं पता कि भगवान ने मनुष्य को बनाया नहीं बनाया, इसके बारे में तो पता नहीं कब साबित होगा नहीं होगा, लेकिन ये बात पक्की जरूर है कि जो कॉन्सेप्ट या भगवान को ये मनुष्य के दिमाग ने बनाया है। तो ये गॉड जैसा कॉन्सेप्ट जो है यही सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड या इलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जो अगर हम लॉजिक अप्लाई करें, रीजन अप्लाई करें। इसके अलावा जितने भी और कॉन्सेप्ट हैं रिलीजन से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, आप ले लीजिए आत्मा ले लीजिए, स्वर्ग नरक ले लीजिए, पाप पुण्य ले लीजिए, और चाहे सुंदरता ले लीजिए, संगीत गीत, सारे ये सभी इलॉजिकल कॉन्सेप्ट हैं। इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं लगाया जा सकता, कोई रीजन नहीं लगाया जा सकता, कोई इसके पीछे कॉज एंड इफेक्ट का वो नहीं लगाया जा सकता फॉर्मूला। लेकिन फिर भी इन चीजों की लाइफ में, खासकर ह्यूमन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ह्यूमन दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक है ब्रेन और एक है हार्ट, या इमोशन कह लीजिए इसे, भावनाएं कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। इन दोनों पार्ट्स के बिना मनुष्य चल नहीं सकता। अब क्या होता है, जो साइंस वाला जो क्या कहना है लॉजिक वाला पार्ट है, रीजन वाला पार्ट है, वो ब्रेन पे काम कर रहा है, जितनी इमोशनल पार्ट है, जितना भी या कहना चाहिए जितना अच्छा लगने वाला पार्ट है, वो सारा इमोशन पे काम कर रहा है, हार्ट पे काम कर रहा है। इसे हार्ट कह लें, इमोशन कह लें, क्योंकि हम भले ही कहें बहुत लॉजिक हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं हम बहुत कुछ अच्छा फील कर रहे हैं, लॉजिकली चल सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं उससे हम अच्छा चल रहे हों। हम हो सकता है बहुत ज्यादा लॉजिक का इस्तेमाल करके अच्छा बने लेकिन पीसफुल नहीं हो सकते, या इस तरह की बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो ये संस्कृति है, ये रिलीजन है, ये सब कुछ इलॉजिकल होते हुए भी मनुष्य के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमने जोड़ दी हैं, चाहे उसमें चमत्कार हैं, देवता हैं, स्वर्ग नरक है, पाप पुण्य है, वो जो भी मैंने सब पहले बातें जिक्र करा, वो सारी चीजें हमने मनुष्य के ये मानते हुए कि ये दिमाग में कहीं भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे स्वीकार करते चले आ रहे हैं क्योंकि हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रोग्रेस कौन सी, मैटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस, साइंटिफिक प्रोग्रेस, नॉलेज प्रोग्रेस, और हम सोचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा तरक्की हम तर्क के फॉर्म में कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा तरक्की क्या है, ज्यादा हम हर चीज को लॉजिकली देख रहे हैं या हम चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जितना इसका नुकसान हो रहा है या जिसकी इसकी भरपाई करनी पड़ रही है, वो करनी पड़ रही है रिलीजन को और संस्कृति को, क्योंकि तरक्की होने पर इनका सबसे ज्यादा हमें क्या करना पड़ रहा है, कट करना पड़ रहा है। जितने सिस्टम डेवलप हो रहे हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन में, वो एक तरीके से सिविलाइजेशन को ही काट रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात कर लेते हैं, लीगल सिस्टम है, लीगल सिस्टम एक सिविलाइजेशन भी पैदा कर रहा था कि लोगों को कानून बनाएगा, कानून जो बन रहे हैं उनसे क्या है पालन कराएगा, जो जस्टिस नहीं मिला जस्टिस देगा। लेकिन अब ये लीगल सिस्टम जैसे जैसे हमने और तरक्की करनी चाहिए, लीगल सिस्टम ने सबसे पहले कल्चर और रिलीजन पे अटैक करना चालू कर दिया। BCO एग्जाम्पल ऐसे है जब रिलीजन सॉरी लीगल सिस्टम ने और गवर्नमेंट्स ने, लीगल सिस्टम का मतलब चाहे गवर्नमेंट उस कानून को बनाए या कोर्ट्स और ये इस तरह की चीजें क्या है उसे वो कर दें कि हाँ सर ये लीगली गलत है, इन्होंने बहुत सारी चीजें क्या करी, कल्चर के ऊपर अटैक करके, रिलीजन के ऊपर अटैक करके उन्हें क्या है हटा दिया या बता दिया कि ये पार्ट नहीं है। जैसे एग्जांपल अगर इंडियन कल्चर की बात करें, अगर हम पहले किसी टाइम में ले लें, बहुत सारी हमारी प्रैक्टिस थी, मैं भी ये बात नहीं कर रहा हूँ कि गलत है सही है,
जैसे उदाहरण के तौर पे सती प्रथा की बात थी, ठीक है, चलती आती होगी, इसके पीछे कोई रीजन होगा, रीजन पे नहीं भी होगा क्योंकि रिलीजियस प्रैक्टिस थी तो बिना रीजन के भी चल रही थी, लेकिन साहब ये लीगल सिस्टम में गवर्नमेंट ने उस समय इंग्लिश टाइम में लगा दी कि साहब ये चीज नहीं चलेगी, सती प्रथा नहीं होगी। मंदिरों में यह हमारे कास्ट सिस्टम था कि साहब ये ब्राह्मण है, ये क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट गोत्र हैं, शूद्र हैं, तो सिस्टम लगा दिया लीगल सिस्टम, साहब इस तरह का कोई नहीं होगा, सारे ह्यूमंस बराबर हो गए। तो क्या हुआ, लीगल सिस्टम ने इस तरह से करा। अभी रिसेंटली कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कोई साउथ का एक मंदिर था, नाम मैं भूल रहा हूँ, साउथ के मंदिर में साहब लेडीज को अलाउ नहीं था, उन्होंने कहा नहीं साहब लेडीज अलाउ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि नहीं साहब लेडीज अलाउ होंगी, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। रिलीजियस प्रैक्टिस में किस आधार पर बना था, अभी उसकी बात ही नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने कहा रिलीजन का मतलब ये नहीं कानून से ऊपर हो गया, और कानून ये कह रहा है कि साहब बराबर है, तो खैर वो जो मंदिर की प्रैक्टिस चली आ रही थी साउथ में उसे उन्होंने क्या है लागू करा दिया केरल के मंदिर में। इसके बाद जैसे एक एग्जाम्पल और है, अभी रिसेंटली जिसमें काफी डिस्कशन हुआ, जैसे होमोसेक्सुअलिटी का एग्जाम्पल है, होमोसेक्सुअलिटी हर रिलीजन ने मना कर रखी है कि नहीं साहब ये अलाउ नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा सिंपल नेचुरल राइट है, एक आदमी को दे सकते, तो लीगल सिस्टम ने फॉरन अलाउ करा दिया, नहीं हो सकता है। अभी करंट में चल रहा है, जैसे सिस्टम चल रहा है लिव इन रिलेशनशिप का सिस्टम चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप हमारी कल्चर में नहीं रहा, शायद ज्यादातर कल्चर में नहीं रहा है, क्योंकि हर कल्चर में रिलीजन में एक मैरिज एक बहुत बड़ा पार्ट है, मैरिज का मतलब फैमिली से जुड़ा होता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि जब तक प्रॉपर रिलीजियस उस पर सैंक्टिटी ना हो जाए, परमिशन ना हो जाए, सोसाइटी की परमिशन ना हो जाए, इंडिविजुअल्स को रहने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अब वर्तमान में जो टाइम चल रहा है राइट इंडिविजुअल राइट पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो लीगल सिस्टम ने कह दिया, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, दो अगर मैच्योर पर्सन है, एडल्ट पर्सन है, तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, कोई शादी की जरूरत है नहीं, मतलब कुल मिला के जो रिलीजियस सिस्टम है, जो कल्चर सिस्टम है, उसको उन्होंने काट दिया। तो ऐसे गवर्नमेंट्स भी कर रही है। गवर्नमेंट के बारे में एक बात और है, खासकर डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में, जब तक पार्टीज गवर्नमेंट से बाहर होती है, पार्टीज जो होती है पॉलिटिकल पार्टीज, ये हमेशा रिलीजियस सिस्टम को फेवर करती हैं, कल्चर सिस्टम को फेवर करती है कि हमारी कल्चर अच्छी है, हमारा रिलीजन अच्छा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट्स में आती है, गवर्नमेंट्स जस्टिस का उल्टा करती है, गवर्नमेंट्स कभी रिलीजन के बेस पर काम नहीं करती, गवर्नमेंट इंडिविजुअल लोगों को क्या है ज्यादा राइट्स को फॉलो करती है। तो एक तो लीगल सिस्टम ने, गवर्नमेंट सिस्टम्स ने रिलीजन पे, कल्चर पे काफी मतलब इनको कट करा। दूसरा, जैसे हमारे यहाँ सोशल रिफॉर्म, सोशल मूवमेंट जो है सोशल रिफॉर्म, इन्होंने भी क्या है रिलीजियस सिस्टम, कल्चर सिस्टम को करा। इसमें जो सबसे बड़ा रिलीजियस सिस्टम को नुकसान, कल्चर सिस्टम को पहुंचाया, वुमन एम्पावरमेंट ने पहुंचाया। वुमन एम्पावरमेंट का मतलब उन्होंने सीधे सीधे फैमिली जो इंस्टीट्यूशन है उस पर उन्होंने अटैक कर दिया। जब ये मान लिया कि साहब हस्बैंड वाइफ में मतलब वाइफ क्या है इक्वल पार्टनर है, जबकि आप पता होगा रिलीजियस सिस्टम में या जो हम लोग सिस्टम फॉलो करते हैं कल्चर सिस्टम में, ये मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं महिला नीचे दबी रहे, दबी का मतलब ऐसे दबने का मतलब नहीं होता, लेकिन एक कहना चाहिए रोल डिफरेंट है दोनों के। लेकिन सोशल रिफॉर्म सिस्टम में आया, वुमन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो वुमेन्स को लगातार क्या है बराबर लाया जा रहा है, बराबर लाया जा रहा है। अब इसके भी बहुत सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल रहे हैं वो तो बात की बात है, वो बैड है, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। अभी मैं दूसरी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, जो इन सारे इशू से कहीं ज्यादा खतरनाक है या बहुत ज्यादा हमें प्रभावित कर सकता है भविष्य में आने वाले उसमें। तीसरा, जो तो एक लीगल सिस्टम है जो कल्चर पे बहुत इफेक्ट कर रहा, कर दिया है, जिसमें करता आ रहा है। दूसरा, हेलो हेलो सर, आ रही है वॉइस? अच्छा अच्छा, अरे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा, बीच में कोई थोड़ा नोट करेगा कि हाँ आवाज आ रही है, ताकि मुझे लगे मैं ओके मैं करता रहूंगा। चलिए, हाँ ठीक है। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है वो है इकोनॉमिक फोर्सेस। इकोनॉमिक फोर्सेस ने भी रिलीजियस सिस्टम को, कल्चरल वैल्यूज को काफी कुछ उन्होंने अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए या उसे इकोनॉमिक फील्ड में लाने के लिए, इकोनॉमिक उसमें लाने के लिए, वैल्यू सिस्टम में लाने के लिए उन्होंने भी इस्तेमाल करा है। दो चार एग्जाम्पल से बात क्लियर हो सकती है। जैसे हमारे सिस्टम में, जैसे हमारे कल्चर में फेस्टिवल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, रक्षाबंधन फेस्टिवल हो गया, होली फेस्टिवल हो गया, दिवाली फेस्टिवल हो गया। लेकिन आप अभी रिसेंटली देख रहे होंगे, रिसेंटली मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले आ रहे हैं, अब रक्षाबंधन का मतलब अगर पीछे पहुंचे तो रक्षाबंधन का क्या मतलब था कि एक सिस्टर को एक भाई क्या करना है कमिटमेंट कर रहा है कि मैं तुम्हें किसी भी तरह से क्या है परेशानी से बचाऊंगा और मैं तुम्हारी रक्षा का क्या वचन दे रहा हूँ, उसको रिपीट कराने के लिए रक्षाबंधन होता था। अब आप देखिए जितनी भी कंपनीज हैं वो किस में आ गई हैं, साहब वो चॉकलेट कंपनीज आ गई, वो गिफ्ट वाली कंपनी आ गई, एक ऐसा प्रोजेक्शन बना दिया है कि शायद आने वाली 3-4 पीढ़ियों के बाद ये रक्षाबंधन का एक्चुअल कॉन्सेप्ट ही रह जाएगा कि सिस्टर को अगर भाई से कोई गिफ्ट लेना है तो वो रक्षाबंधन के तौर पे ध्यान आएगा। होली का मतलब आप समझ रहे हैं, होली में मतलब क्या कहानी है वो बतानी पड़ती है, और बाकी होली का मतलब क्या रह गया, हड़दंगबाजी और इंटरटेनमेंट, ये सारे रह गए। खाली ये हिंदू रिलीजन नहीं,
ये आप मुस्लिम फेस्टिवल्स ले लीजिए, उनका भी है और जितने भी फेस्टिवल्स हो रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक फोर्सेस को केवल ये दिखाई देता है कि किसी भी तरह से हर चीज की वैल्यू निकल आनी चाहिए, और कहीं पे भी प्रॉफिट मोटिव दिख रहा होता है तो वो उसमें घुस जाते हैं कि हाँ नए तरह से प्रॉफिट रहते हैं। कंपनीज में यही सारे काम चलते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, दिमाग लगाते रहते हैं किस जगह क्या करके वो हो सकता है। अब मंदिर में है, उन्होंने लगा कि 10 तरह की चीजें हो सकती हैं, अगरबत्ती कंपनी ने अगरबत्ती निकाली कि भगवान को खुश करने के लिए ये फला अगरबत्ती हमारी सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। अब देखा जाए तो कोई मतलब नहीं है, भगवान और अगरबत्ती का कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन अब कंपनी ने जोड़ दिया तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक फोर्सेस ने ये कर दिया कि उसका कहीं ना कहीं वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, लीगल सिस्टम इफेक्ट कर रहा है, सोशल सिस्टम भी इफेक्ट कर रहा है, और उसके बाद आपका इकोनॉमिक सिस्टम जो है, इकोनॉमिक फोर्सेस हैं वो कल्चर पे, रिलीजन पे लगातार अटैक करके उन्हें उनका प्रभाव कम कर रही है, लेकिन फिर भी ये इतनी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा रही है। इन्होंने अब तक इतना नुकसान नहीं पहुँचाया है। जो सबसे ज़्यादा कल्चर पे और रिलीजन पे नुकसान पहुँचाया है वो है आपके साइंटिफिक इंक्वायरी ने, साइंटिफिक रेवोल्यूशन कह लो आप, साइंटिफिक इंक्वायरी कह लो, साइंस ने हर उस जगह घुस के उसका रीजन पता लगा लिया जिसका रिलीजन हमने छोड़ दिया था कि हमें नहीं पता क्या होगा, और इसे हम मान लेते थे कुछ फोर्सेज ऐसी हैं जिसे आदमी जान नहीं सकता, और हम उसे क्या है उसके बारे में जब दिमाग नहीं लगा सकते थे, हमें इसका रीजन नहीं पता होता था, तो हम उसे दूसरे ढंग से देखते थे। अब हमें उसका एक्चुअल बैकग्राउंड पता चल गई, साइंस ने उसकी बैकग्राउंड खोल के रख दी कि इसमें तो ये है, इसे आप इस तरह से क्यों देख रहे हो कि ये सुपर नेचुरल है, ये नेचुरल है। अब क्या हो गया, खत्म हो गया सारी चीज, जब हमको पता चलेगी कि इसके पीछे ये वाली बात है तो हमें जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें जब तक नहीं पता था कि आग कैसे पैदा होती है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं था आग का, तब हम मानते थे कि हाँ कोई अग्नि देवता है, वो आते हैं, उनकी कृपा हो जाती है, कई बार नाराज हो जाते हैं ये सारा, इसलिए हम अग्नि देवता की पूजा करते थे। हमें पता था वर्षा नहीं हो रही है, अब कोई जरूरत ही नहीं है, साइंस पढ़ ली तो पता है कि अग्नि की पूजा किस लिए कर रहे हो, ये अग्नि आप किस लिए कर रहे हो, अग्नि के पीछे ये कारण है, आप टेम्परेचर बनाइए, इग्निशन दीजिए और इसका फ्यूल क्रिएट करिए, अग्नि ऑटोमेटिकली आपकी इसमें रहेगी और काबू में आ जाएगी, आप कंट्रोल कर सकते हैं। 20 बीमारियां होती थी जिसे सोचते थे, बीमारी आने के बाद जब हमें पता नहीं था बीमारी का कारण क्या था, तो हम मानते थे कि शायद कोई सुपर नेचुरल पावर है जो हमसे बदला ले रही है, हमें सिखाने की कोशिश कर रही है। अब लोग कोरोना में कह रहे हैं कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, तो कह रहे हैं शायद भगवान याद दिला रहा है, शायद कोरोना के ट्रीटमेंट के बारे में पता चल जाए तो लोग सिर्फ भगवान को भूल जाएंगे, कल्चर को भूल जाएंगे। हाँ, तो जितने भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आए, साइंटिफिक आते चले जा रहे हैं, उतना ही क्या हो रहा है, जो चीज़ें हमारी छिपी हुई थी और जिनके पीछे हमारा एक रिलीजियस भाव था, कल्चर भाव था, वो खत्म होता चला जा रहा है, वो चीज़ें ही आ रही। एक इसी में एक एग्जाम्पल जैसे दे रखा है, आज एस्ट्रोनॉट साइंस, स्पेस साइंस बहुत डेवलप हो गई है। अब एक इमेजिनेशन करिए, एक लेडी साइंटिस्ट है, पिक्चरों में खासकर इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं, लेडी एस्ट्रोनॉट है, वो घर पे पूजा भी कर रही है, वो घर पे व्रत भी रख रही है, और लैब में जाके वो सारे रिसर्च देख रही है, डेटा कर रही है, कंप्यूटर पे काम कर रही है। अब कितना उसकी लाइफ अजीब सी होगी, एक तरफ लैब में आके वो क्या कर रही है, साइंस की, वो सन की मून पे देख रही है सरफेस क्या है, इस पे वो कितना है, और मान लीजिए उसी वो अगर मैरिड है और बहुत ज्यादा रिलीजियस मानती है अपने आप को, तो वो क्या है, वो भी रखेगी क्या कहना है करवा चौथ का व्रत, और उसके बाद वो किस फॉर्म में देखेगी उससे चंद्रमा को, तो मुझे लगता नहीं कि वो कुछ इस फॉर्म में देख पाएगी जिस टाइम पे, जिस मतलब जो पीछे की पीढ़ी देखती आई चंद्रमा को। अब कल्चर में हमारी ये है कि साहब हमें चंद्रमा को पानी चढ़ाना है औरतों को व्रत रखने के बाद, अब साइंस ने उसे बता दिया कोई जरूरत नहीं है, जैसे हमारी पृथ्वी है ऐसी वो है, कोई मुझे लगता नहीं 3-4-5 पीढ़ी बाद या वो एस्ट्रोनॉट अपने बच्चों से ये कहने वाली स्थिति में होगी कि चंद्रा क्या कहना है मेरे भाई है मामा है, या चंद्रा क्या कहना है मेरे पति की एज बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ कहने वाली स्थिति में नहीं होगा। कह रही होगी तो इसका मतलब वो खुद कॉन्ट्रडिक्टरी है, एक तरफ साइंस में पढ़ के जा रही है कि नहीं मून इज अ प्लेनेट और मून पे ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये बड़े इस तरह की क्या है कॉन्ट्रडिक्टरी और विरोधाभासी प्रवृत्तियां पैदा हो रही हैं, क्योंकि जिस चीज में हम लॉजिक लगा नहीं सकते उस चीज में लॉजिक लगा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें ओवरऑल इंडिविजुअल को परेशानी क्रिएट कर रही हैं और उसके बाद ओवरऑल ह्यूमन रेस के लिए परेशानी क्रिएट कर सकती हैं। अभी इसमें एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, एक प्रोजेक्ट फाइनल हुआ है जिसे कह रहे हैं गिलगमेश प्रोजेक्ट, हाँ एक बुक में दे रखा है गिलगमेश प्रोजेक्ट। गिलगमेश प्रोजेक्ट ने ये थ्योरेटिकली साइंटिस्ट ने ये साबित कर दिया है कि आने वाले टाइम में जो ह्यूमन बॉडी है हम इसे इमॉर्टल बना सकते हैं, मतलब ये मरेगी नहीं, क्योंकि जो जो ह्यूमन बॉडी जिन जिन वजह से मर सकती है उन पे धीरे धीरे साइंस, बायोलॉजिकल साइंसेस काबू पा सकते हैं, कोई पार्ट बॉडी का खराब हो रहा है उसे हम रिपेयर कर सकते हैं, उसका रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, और इसके एडवांसमेंट का धीरे धीरे लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आने वाले 200-500 या शायद 1000 साल में शायद ये स्थिति आ जाएगी कि हम उस स्थिति में होंगे कि आदमी को हम मरने नहीं देंगे, ऐसा थ्योरेटिकली उन्होंने कह दिया। टाइम लिमिट कुछ भी हो सकती है, 1000 साल 2000 साल,
अब इसी के बाद क्या कहते हैं, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में क्या है, बॉडी बैंक बन गए हैं कि आदमी अगर चाहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी को प्रिजर्व कर दिया जाए तो उसके पैसे लेके वो बॉडीज को उसकी केमिकल्स में प्रिजर्व रखते हैं ये मानते हुए कि शायद कभी दोबारा जिंदा करने का मौका मिलेगा तो वो उसे दोबारा से जिंदा कर लेंगे। अगर ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हो जाए तो अभी जो मतलब जिसके ऊपर अभी बात नहीं हो रही है कि अगर ऐसा हो जाए वाली बात गिलगमेश प्रोजेक्ट के हिसाब से ह्यूमन उस पर हो जाए तो उसके बाद क्या कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगे अगर आदमी मरेगा नहीं, तो उस बारे में ये कभी क्या है इस पर साइंटिफिक इंक्वायरी बात नहीं कर रही है कि इस पर क्या होगा। साइंस इन्वेंशन करके तो दे देती है लेकिन लॉजिक के हिसाब से, लेकिन वो ये नहीं देखती कि मनुष्य खाली लॉजिक और दिमाग ही नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट क्या है इमोशंस है, उसका बहुत बड़ा पार्ट क्या है दिल है, जिस पे क्या असर होगा इस बारे में कोई वो आगे डिस्कशन नहीं करते हैं। सिंपल सोचने वाली बात है, अगर ऐसा हो जाए तो मुझे लग रहा है आदमी मशीन बन जाएगा और मशीन क्या करेगी क्या नहीं पता नहीं, इस बारे में तो सोचना भी मुश्किल लग रहा है। लेकिन ऐसे साइंटिफिक इंक्वायरीज से साइंटिफिक लॉजिक से कहीं ना कहीं हमारी कल्चर इफेक्ट हो रही है, कहीं ना कहीं हम ह्यूमन से इनह्यूमन तो नहीं लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी टाइप की स्पीशीज में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, वो पता नहीं अच्छी होगी बुरी होगी इसके बारे में तो बात चल रही है। अब ले जहाँ तक अपने इसकी बात है, इंडियन कल्चर की बात है, अभी ये कोरोना के टाइम में मैं दो चीज़ों के ऊपर और बात करना चाहूँगा अभी, और मैं एक्चुअली मैं पर्सनली मुझे लग रहा है कि जो भी नई ह्यूमन स्पीशीज बनेगी वो अच्छी नहीं खराब ही होने वाली स्थिति में आएगी। जैसे कोरोना में अभी करंट में ये दो चीज़ों का इस समय बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है, एक तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, एक ऑनलाइन टीचिंग के बारे में बात चल रही है। मुझे लग रहा है दोनों ही कॉन्सेप्ट इस समय कल्चर को इतना ज़्यादा इफेक्ट करने वाले हैं, एडवर्सली इफेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट खत्म होने जा रहा है। खासकर ये ऑनलाइन टीचिंग की वजह से बहुत बड़ी दिक्कत ये आने वाली है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि टीचिंग का मतलब केवल इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है एक आदमी से दूसरे आदमी की तरफ। अगर हम ये मान के चलें कि टीचिंग का मतलब केवल ये है कि एक खास इंफॉर्मेशन एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल चली जाए, तो इंडिविजुअल के साथ जो बहुत सारी वैल्यूज जाती हैं वो इस सिस्टम से नहीं जा सकती ऑनलाइन सिस्टम से। आप जब तक कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे तब तक ये वैल्यूज दूसरे आदमी में ट्रांसफर नहीं हो सकती, और यही इफेक्ट बैड इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा जब आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वर्क फ्रॉम होम करेंगे आप दूसरे आदमी के टच में नहीं आएंगे तो नई तरह की प्रॉब्लम होगी। हमारी कल्चर में जो गुरुकुल का कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में बात कर रहे करते हैं कि हमारी कल्चर बहुत अच्छी थी या बुरी थी, अब उसे जब तक उसे समझेंगे नहीं तो रिजल्ट तो खराब आ भी सकते हैं। जिसमें कल्चर में ये था कि अगर स्टूडेंट को अच्छा इंसान बनाना है, बहुत नॉलेजेबल नहीं बहुत स्किलफुल नहीं, अगर उसे अच्छा इंसान बनाना है अच्छी वैल्यूज देनी है तो उसका मतलब उसे गुरुकुल में जाना पड़ेगा। गुरुकुल का मतलब फुल टाइम उसे गुरु की टीचिंग की सेवा में रहना पड़ेगा और उसे वो सारे काम करने पड़ेंगे जो गुरु कहेगा। नॉलेज देगा वो तो बात की बात है लेकिन साथ साथ उसे गुरु के साथ बहुत सारे काम होंगे। धीरे धीरे सारा सिस्टम टीचिंग का सिस्टम कॉमर्शियल हो गया, ठीक है टीचर को पैसे देने लगे और उसके बाद टीचर से मनमाहक काफी काम लेने लगे, लेकिन फिर भी उस सिस्टम में एटलीस्ट टीचर स्टूडेंट के कॉन्टेक्ट में तो आ रहा है, उस पर कुछ ना कुछ तो उसे वैल्यू प्रोवाइड करा ही रहा है। अब ये ऑनलाइन क्लासेस में आप या ऑनलाइन टीचिंग में आप ये मान के चलो इस तरह का कोई भी स्कोप नहीं बचता है कि एक टीचर स्टूडेंट को वो कुछ प्रोवाइड करा सके वैल्यू के सेंस में। नॉलेज प्रोवाइड कराना मुझे लग रहा है नॉलेज और वैल्यू दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब गुरु मशीन बन जाएगा, अब हो सकता है आने वाले टाइम में क्या स्थिति आए, अब गुरु के बाद कौन बचाएगा, मदर बचती है, ऑनलाइन मदरहुड आ जाएगा कुछ साल बाद, अगर कोई और दिक्कत आएगी तो पता है मदर को दूसरे तरफ को बोले ऑनलाइन मदरहुड प्रोवाइड करेंगे, मदर किसी भी तरह से ऑनलाइन जैसे गुरु टीचिंग कर रहा है ऐसे मदर भी प्रोवाइड करती रहेगी। अब जब ये सिस्टम आएगा तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही आएगी आदमी ना वैल्यूज लेगा ना आदमी की जो एक सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आनी चालू हो जाएंगी। और यूरोप में अमेरिका में इस तरह की प्रॉब्लम्स लगातार सामने आ रही हैं, वहाँ टेररिज्म से ज़्यादा दिक्कत वहाँ के प्रेसिडेंट को ये रहती है कि ऐसा ना हो जाए कोई बच्चा 10वीं 12वीं का कहीं से आर्म्स एमुलेशन लिया है घर से या बाहर से बिना बात के, पता चले क्लास में बैठा है बैठे बैठे उठा उसने 20-25-30 को उसने क्या जरा देर में गोली से उतार दिया, कुछ नहीं करोगे थोड़ी बार वो खुद भी मर जाएगा। लगातार इस तरह के इंसिडेंट्स बढ़ती जा रही है। टेररिस्ट तो फिर भी दूसरे कंट्री से आके वो एक पर्पस लेके आ रहा है, यहाँ से मेरे तुमने रिलीजन को करा मेरे कंट्री पे अटैक करा या कोई भी पर्पस हो सकता है उसका, लेकिन वो जो बच्चा 10 साल का बच्चा 12 साल का बच्चा जिसको कोई पर्पस ही नहीं है वो कह रहा है मेरी लाइफ में पर्पस नहीं है, बोले मेरी लाइफ का पर्पस मुझे ये लग रहा है कि मैं खुद तो मरूं साथ में उससे पहले 20-25-30 लोगों को और मार के रखूं।
अब ये समस्या किस वजह से आ रही है, केवल इस वजह से आ रही है वो टोटली मशीनों के बीच में रह रहा है, लगभग मशीनी सिस्टम के बीच में रह रहा है, मशीन लगता नहीं कि वैल्यूज हमें प्रोवाइड करेंगे। तो मुझे लग रहा है ये सारी चीजें हम लोगों को थोड़ा विचार करनी चाहिए कि खाली ये एक ले जा रही है और उसमें हम सोचते रहे कि हाँ ये सिस्टम ठीक हो रहा है। हेलो हेलो, हाँ सर आ रही है क्लियर। हेलो, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ सर, लास्ट बस लास्ट मिनट है। हम बेसिकली हमें लगता है कि अगर हम कल्चर को डिस्कस कर रहे हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो इंडिया में भी आ चुकी हैं, इंडिया में लगता नहीं पुरानी आप कल्चर की बात कर रहे हैं तो पुरानी कल्चर में कभी ये होगा कि वहाँ वृद्धाश्रम खुले होंगे, वहाँ अनाथाश्रम खुले होंगे, वहाँ इस तरह की समस्याएं हो रही होंगी, और सुसाइड रेट भी मुझे लगता नहीं कोई एक आध दो का केस होगा। अभी आपने देखा होगा वर्तमान इसमें करंट में अभी इसी साल का अलीगढ़ का आंकड़ा करीब 100 के करीब का है सुसाइड रेट का, पता नहीं इंडिया में कितना रेट होगा। अब सुसाइड जैसा कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो, इतनी फैसिलिटीज, इतना सब कुछ होना, खाने। हेलो हेलो, कंटिन्यू सर। हाँ बोलिए। सोसाइटी जैसी समस्या अगर सोसाइटी में बढ़ रही है, प्रोवाइडेड कि आपके पास खाना पीना पूरा है, ये गवर्नमेंट कह रही है कि हम किसी को भूखा नहीं मरने दे रहे हैं, बेसिकली इस समय वो टाइम चला गया जब हमारे पास क्या है, खाने पीने की समस्या होती थी, आज से 100 साल या 50 साल पहले करीब था कि हाँ लोगों पे खाना नहीं था, आप पे फूड पूरा है, उसके बाद भी कोई पर्सन सुसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। स्ट्रेस का मतलब कोई उस पर आउटलेट नहीं है सोसाइटी से जुड़ने का, आपस में जुड़ने का। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं कि हमें डिस्कस करना चाहिए कि हम बेसिकली प्रोग्रेस को किस फ्रेम में डिस्कस कर रहे हैं। प्रोग्रेस का मतलब मोर साइंटिफिक नॉलेज, मोर हम पे ज्यादा इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, या साइंस प्रोग्रेस का मतलब मोर पीसफुल हो रहे हैं, मोर हम, या हम ज्यादा क्या है लोगों के साथ कंफर्टेबल हो रहे हैं, ज्यादा सोसाइटी को अपना मान रहे हैं। अब पता नहीं, इन मुद्दे बहुत सारे जटिल हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, और हम खाली डिस्कस ही ना करें, कोशिश करें कि इसमें अगर हम कुछ नहीं कर सकते, अगर ये कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ रही है तो उसको हम एटलीस्ट सपोर्ट ना करें। अगर ठीक है, मैं मजबूरी में, अगर मैं मान लीजिए मैं भी उस सिस्टम का पार्ट हूँ और बहुत सारे ह्यूमन बीइंग के कारण मेरे अंदर भी बहुत सारी प्लस माइनस प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ सिस्टम सही नहीं है तो मुझे उसे कम से कम उसका दिल से सपोर्ट तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों ने मुझे बहुत टाइम दिया, एक ऑनर फील हो रहा है, और मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम वाली भी हो सकती हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे मौका दिया आप सब लोगों ने अपने बीच में से एक होते हुए भी, और मैं ओब्लाइज हूँ। और एक बार सभी कॉन्फ्रेंस में जितने लोग हैं, जितने अटेंडेंट हैं, जिन्होंने सुनने वाले हैं, सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स, थैंक्स वेरी मच। हाँ थैंक यू, ओके, हेलो, थैंक यू, थैंक यू, हाँ धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ सर, हेलो, जी 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 सर, धन्यवाद, हाँ धन्यवाद अनूप सर, हो गया सर, थैंक, हाँ ओके सर, ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद अनूप सर, ओके सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े विस्तार से समझाया और हेरिटेज को कल्चरल हेरिटेज का जिस तरह से आपने इंटरप्रिटेशन दिया, उससे बहुत जानकारी हम लोगों को मिली और वैल्यूएबल जानकारी मिली। बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं सोच पाते थे वो आपने धर्म को और कल्चर को एक साथ रिलेट करके, नो डाउट कि साइंस ने कल्चर को नुकसान पहुंचाया है, उसका एक लिमिटेड यूज हमने नहीं किया, क्या कोई यूज की जगह मिसयूज हमने करना शुरू करते चले गए। तो अब अनूप सर के बाद मैं अपने सेकंड की नोट स्पीकर डॉक्टर नरेंद्र कुमार सहरा जी को आमंत्रित करता हूं स्क्रीन पर, वो आए और अपना स्पीच डिलीवर करें। डॉक्टर नरेंद्र कुमार सहरा, थोड़ा सा बता दूं सहरा साहब के बारे में, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के हैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज छर्रा में, आपने यूजीसी जेआरएफ क्लियर किया है 4 बार, और आपको राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप भी मिली है, और आप एक बहुत अच्छे विचारक हैं, आज इंडियन हेरिटेज के ऊपर हमारे बीच अपने विचार रखेंगे डॉक्टर नरेंद्र कुमार सहरा साहब। डॉक्टर नरेंद्र कुमार सहरा साहब, अगर मेरी आवाज सुनने हो तो प्लीज स्टार्ट। डॉक्टर नरेंद्र कुमार सहरा साहब,
वासरे सर अनम्यूट अनम्यूट कराइए इनको, आ तो गए, अनम्यूट कराइए इसने। नहीं अनम्यूट साहब, अनम्यूट कर दिया सर, अनम्यूट कर दिया है सर, वो अपनी साइड से, अपनी साइड से हो गया, अब अपनी साइड से हो गया, हो गया। अब शुरुआत करिए सर। सर डॉक्टर नरेंद्र कुमार तेरा साहब, धन्यवाद सर, सभी लोगों को शाम की मेरी प्यार भरी नमस्कार। जो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भारत भौगोलिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से बहुत प्राचीन देश है। शोध और अध्ययन हमें ये बताते हैं कि भारत में आदमी का अवतरण या मानव का अवतरण लगभग अफ्रीका के साथ साथ ही हुआ। इस नाते यहाँ कल्चर, सोशल प्रैक्टिसेस, रिलीजन, जो भी विकास देखने को हमें समझ में आया ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, वो बिखरा हुआ है, छितर बितर है। जब हम इसको एक क्रमबद्ध रूप में देने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी अभी सर जो बता रहे थे, सहरा सर आपकी आवाज आ रही है, सहरा सर सर वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, डिस्कनेक्ट हो गए सर। पुलिस सर जरा फोन कीजिए उनको, हेलो सर, उनको कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, शायद कनेक्टिविटी की वजह से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। जी, तब फिर आप बताइए क्या किया जाए आगे, जब तक प्रेसिडेंट का एड्रेस करा दीजिए सर। फिर सरवा सर, हाँ सर, जी तब तक आप प्रेसिडेंशियल एड्रेस करा दीजिए। ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। और इस बीच डॉक्टर नरेंद्र कुमार सहरा जी थोड़ी किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और ही इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद अस। तब तक इस बीच में हमारे आज के इस सेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर जीएस मोदी साहब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गोंडा इगलास, मैं उनको आमंत्रित करता हूं अपने प्रेसिडेंशियल स्पीच के लिए। वो आए और हमें अपने प्रेसिडेंशियल स्पीच से, हम अपने आशीर्वाद से हम लोगों को नवाजें। डॉक्टर जीएस मोदी साहब। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी सर, आवाज आ रही है, आज आवाज भी आ रही है, विजिबल भी है। ऑडियो वीडियो दोनों आ रहे हैं सर? दोनों आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। जी सर, एक्चुअल में प्रणाम सर। प्रणाम। जैसे पहले दिन बीएल शर्मा जी ने कहा था कि हम लोग जो है कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इतना हिस्ट्री में या दूसरे सब्जेक्टों में हस्तक्षेप नहीं रखते हैं, तो मैंने अभी डॉक्टर अरविंद कुमार दुबे जी की सुने विचार और डॉक्टर अनूप जी के सुने। डॉक्टर अनूप जी ने कल्चर, धर्म, कानून और आर्थिक, इन चार पहलुओं को रखा सामने, और डॉक्टर अरविंद कुमार दुबे जी ने जो है इस तरह की हमारे हेरिटेज को बताया जो ज़्यादातर जो किसी से कह सकते हैं हम निर्माण से संबंधित हैं, जैसे मंदिर हो गए या मॉन्यूमेंट्स हो गए या कुछ और इस तरह की चीज़ें हो गई, उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया।
और मैं मुझे बड़ा सुखद अनुभूति महसूस हुई कि मैं इन चीजों के बारे में खुद भी नहीं जानता था। और एक लेमैन के रूप में मैं कह सकता हूँ, जो मेरी समझ है, कि संस्कृति क्या है। संस्कृति वास्तव में मेरी अपनी समझ के हिसाब से, जो एक आम आदमी की भाषा में हम कह सकते हैं, जब हम पैदा होते हैं और तब से लेकर मरने तक जो हमारा लाइफ स्टाइल, हमारे विचार, जो चीजों से प्रभावित होते हैं, क्या हो गया, हिस्सा है। अच्छा अच्छा, तो वो संस्कृति का हिस्सा है। हमारा किस तरह से खाना पीना हो, किस तरह से हमारा रहन सहन हो, हम क्या पहनते हैं, और ये हमारी सब संस्कृति के हिस्से हैं। ये बात अलग है कि संस्कृति के ऊपर भौगोलिक स्थितियों का बहुत गहरा प्रभाव होता है और समय के साथ इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता रहता है। सांस्कृतिक विरासत वही चीज है कि जो पुरानी संस्कृति थी हमारी, उसमें से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आज भी हमारे साथ चल रही हैं, वो सांस्कृतिक विरासत हो गई है हमारे लिए, जो आज भी वो कैरी ऑन है। तो हम देखते हैं कि जैसे साड़ी, एक उदाहरण के लिए मैं लूं कि साड़ी पहनने का तरीका बंगाल में कुछ अलग तरह का है, और वहीं पर साड़ी पहनने का तरीका दक्षिण भारत में कुछ अलग तरह का है, उत्तर भारत में कुछ अलग तरह का है। तो ये तरीके हमारी संस्कृति के कारण भिन्नता रखते हैं, क्योंकि तो वहां हमारी संस्कृति अलग तरह की है और यहाँ हमारी संस्कृति अलग तरह की है। लेकिन भारत देश की जो खूबी है कि भारत सारी संस्कृतियों को एक साथ लेकर चल रहा है, उसमें मॉडिफिकेशन होते हैं, समय समय के साथ होते हैं। इसकी तुलना एक उदाहरण देके मैं करूँगा कि जैसे एक ट्रेन होती है, ट्रेन के डिफरेंट डिब्बे होते हैं, उसमें एसी भी होता है, एसी सेकंड भी होता है, एसी थर्ड भी होता है, स्लीपर भी होता है, जनरल बोगी भी होती है, और लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार, अमीर भी उसमें यात्रा करते हैं, गरीब भी यात्रा करते हैं, जो सामर्थ्यवान है जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल पाता वो जनरल में भी यात्रा करते हैं। इन सभी बोगियों को इंजन जो है बिना किसी भेदभाव के उनके गंतव्य तक पहुंचाता है। इसी तरीके से हमारी विभिन्न प्रकार की संस्कृति है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हिंदुत्व जो है एक संस्कृति है, एक लाइफ स्टाइल है, ना कि धर्म। तो हमारा देश हमारी विभिन्न संस्कृतियों का समावेश है। हमारे देश की जो खूबी है, हमारी संस्कृति जो मूल रूप से भारतीय संस्कृति है, उसकी भी ये खूबी है कि वो समावेशी है, वो सबको अपने साथ समा लेती है। ऐसा बहुत मुश्किल से देखने में और जगह पर मिलता है कि इतनी समावेशी संस्कृति किसी राष्ट्र की रही हो। यहाँ पर आकर गुरु नानक देव जी भी समाहित होते हैं, यहाँ पर आकर बुद्ध भी समाहित होते हैं, यहाँ पर आकर जो है मुगल भी समाहित हो जाते हैं, यहाँ पर आकर पारसी भी समाहित हो जाते हैं, और इन सबको बिना किसी भेदभाव के लेकर हम आगे चलते हैं। और उनमें से फ्यूजन सिस्टम जैसे हम कह सकते हैं, सभी का हम कुछ अच्छा अच्छा या स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ले लेते हैं। जैसे एक मेरे मुस्लिम मित्र थे, उनके घर पर अभी भी है, घर पर अभी भी सारी लेडीज जो है साड़ी पहनती हैं। तो ये संस्कृति का प्रभाव है, रिलीजन का प्रभाव नहीं है। हम भी उनके यहाँ जाते थे तो मस्जिद में चले जाते थे, हमें नमाज पढ़नी नहीं आती थी, लेकिन हमारी संस्कृति हमें ये सिखाती थी कि सबको हमें आदर करना है, सबको हमें सम्मान देना है। तो उस दृष्टि से हम भी चले जाते थे, वो भी आते थे, वो गुरुद्वारे में आकर तबला बजाया करते थे। तो संस्कृति हमारी इस तरह की इतनी रिच है। तो आम आदमी के रूप में हम संस्कृति के कई एक तरीके से रूप हैं, जिसमें आप नृत्य भी कह सकते हैं। जैसे डॉक्टर दुबे जी ने मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताया, डॉक्टर अनूप जी ने बताया, इसी तरीके से हमारा जो है रहन सहन है, नृत्य है। कई जगह आपने देखा होगा कि भांगड़ा चलता है, कई जगह पर आपने देखा होगा कि भरतनाट्यम चलते हैं, कत्थक चलते हैं। हमारे तीज त्योहार जो है वो हम मिक्स होकर मनाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, कुछ तीज त्योहार हमारे 10 साल पहले भी बने हैं। मुझे ठीक से याद है कि करवा चौथ का जो त्योहार मनाया जाता था, आज से 30-40 साल पहले कोई भी चलनी में चंद्रमा को नहीं देखता था हमारे इलाके में, जो ब्रज का एरिया है। लेकिन जैसे फिल्में आईं और फिल्मों से ये फ्यूजन हुआ, और पंजाब साइड में जैसे देखा करते थे, उस फ्यूजन की वजह से ये सभी जगह फैल गया। डॉक्टर अनूप जी ने भी कहा कि इसमें एक आर्थिक परिप्रेक्ष्य भी होता है, जितने त्योहारों को कंपनियां अपने तरीके से इकोनॉमिकली उसको जो है वो करना चाहती हैं,
एक्सप्लॉइट करना चाहती हैं, तो वो भी एक एस्पेक्ट है, अपनी जगह पर सही है। लेकिन कुछ बातें मैं ये भी प्रैक्टिकली कहना चाहूँगा कि जहाँ हमारी संस्कृति समावेशी है, वहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हो गई हैं जो अब हम कहते हैं कि थोड़ी सी, मतलब मुझे कहते हैं, मेरा संकोच ही हो रहा है कि थोड़ी सी हमारे अंदर असहिष्णुता भी आ चुकी है। मैं नहीं समझता कि आज के दौर में अगर कबीरदास जी पैदा होते तो वो ये कह पाने की हिम्मत जुटा पाते कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचर मुल्ला भाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, तो वो आज कहने की हिम्मत नहीं कर पाते। अगर कह दिया जाता तो उनके ऊपर शायद सुप्रीम कोर्ट में दसियों केस लग जाते। लेकिन पहले हमारे अंदर सहनशीलता थी। देखने में ये भी आता है, लोग कहते हैं ना पढ़े लिखे है, मैं कहता हूँ पढ़े लिखे में कम सहनशीलता है, अनपढ़ में कुछ कहीं ज्यादा है। आप एक दौर, इस आज के दौर में आप टेररिज्म को उठाकर देख लीजिए, इसमें एक से एक पढ़े हुए लिखे लोग ही इसमें इन्वॉल्व मिलेंगे आपको। नीचे के लेवल पर आपको आकर अनपढ़ मिलेंगे, लेकिन टॉप लेवल पर जाकर आपको पढ़े लिखे लोग ही मिलेंगे। तो कुछ इस तरह की चीजें हैं कि ये आजकल हमारे देश में भी, क्या मतलब अमेरिका में भी आपने अभी देखा होगा कांड हुआ था, तो ये सहनशीलता कम होती जा रही है। हमारी संस्कृति में ऐसा कतई नहीं था, लेकिन कभी कभी मुसीबत आती है तो हम सब एक हो जाते हैं, ये भी एक विशेषता है। जैसे अभी कोरोना काल हुआ तो हमने देखा कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सभी लोग लंगर चला रहे हैं, मदद कर रहे हैं, फिल्म स्टार मदद कर रहे हैं, अमीर लोग मदद कर रहे हैं, तो ये भी एक संस्कृति का हिस्सा है। तो अब संस्कृति हमारी कायदे से जो है वो एक फ्यूजन हो चुकी है, और फ्यूजन से एक नई चीज पैदा होती है। पुराने जमाने की जो संस्कृति थी वो ठीक है, उसमें विरासत है हमारे पास, आज भी मौजूद है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। और अब उसमें से कुछ चीजें हमने, जैसे सलवार सूट है, ये सलवार सूट हमारा नहीं है, हिंदू संस्कृति का नहीं है, ये सलवार सूट मुस्लिम संस्कृति से आया है। और अब ये चूंकि मुस्लिम ज्यादातर जो प्रवेश हुआ था वो अफगानिस्तान पाकिस्तान पंजाब इधर होते हुआ है, तो आप देखेंगे कि इधर का पहनावा ही आपको ज्यादातर वो मिलेगा सलवार सूट। जैसे जैसे हम साउथ में चले जाएंगे, वहां मुस्लिम शासक नहीं पहुंच पाए थे, तो वहां पर अभी भी आपको पुरानी संस्कृति का पहनावा देखने को मिलेगा, उससे उनको प्यार मिलेगा। तो इस तरीके से संस्कृति एक बहुत बड़ी चीज है, और हर बारीक से बारीक चीज उसमें इंक्लूड हो जाती है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, और मुझे बोलने के लिए और इस प्लेटफॉर्म को मुहैया कराने के लिए डॉक्टर संजीव वासने, डॉक्टर यूसी शर्मा जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, डॉक्टर माजदा मैडम प्रिंसिपल मैम हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, और ये सब मेरे साथी रह चुके हैं। ये तो एक समय की बात है कि कोई बाई वर्चू ऑफ सीनियरिटी प्रिंसिपल बन गया मैं, लोग भी बनते हैं, लेकिन मेरी नज़र में सभी मेरे साथी हैं। मैंने इनके साथ काम किया है, इन्होंने मुझे याद किया, मुझे ये सम्मान दिया, मैं अपने आप को बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ। आप सभी लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद मोदी सर। डॉक्टर जीएस मोदी साहब, बहुत दिनों बाद आपको स्क्रीन पर देख करके बहुत अच्छा लगा कि आप अभी हमारे बीच में ही हैं, और ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि आप मतलब अब हम तो आज भी ये महसूस नहीं कर पाते दिल से कि आप प्रिंसिपल हो गए, हम तो अपने भाई की तरह ही आज भी आपको महसूस करते हैं। मैं हूं भी नहीं, वो तो सीनियरिटी के चक्कर में बन गए। धन्यवाद सर, धन्यवाद, ये आपका बड़प्पन है, इट इज योर ग्रेटनेस, और आपके इस सारगर्भित स्पीच के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया इसके लिए आप धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। और अब मैं हमारे सेकेंड की नोट स्पीकर डॉक्टर नरेंद्र कुमार सहरा साहब, जो बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, अगर वो कनेक्ट हो गए हों तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो स्क्रीन पर आएं और अपना अपने विचार कंटिन्यू करें। नहीं सर, डॉक्टर नरेंद्र कुमार नहीं सर, वो कनेक्ट नहीं हो पाए सर, उनके साथ नेटवर्क अच्छा। की प्रॉब्लम है। जी जी, तो आप कंक्लूड करिएगा। वोट ऑफ थैंक्स दे दीजिए सर। जी जी, नहीं, वो वोट ऑफ थैंक्स चंद्रवीर सर देंगे। धन्यवाद, हाँ हाँ, सभी लोगों के लिए धन्यवाद। आज इस इंडियन, एक्चुअली इंडिया आज इतने वैल्यूएबल जानकारी हमको मिली कि वास्तव में बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं मालूम थी, जैसे हमारे अरविंद कुमार दुबे साहब ने साइंस के, विज्ञान के साथ
कल्चर को, हेरिटेज को जोड़ा। आज पता नहीं कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने जो हेरिटेज जो इंडियन कल्चर में जिनको जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं थी, हमारे बुजुर्गों ने देने की कोशिश की तो हमने उनको ग्रहण करने की कोशिश नहीं की। तो वासे सर कंक्लूड किया जाए सर, नरेंद्र कुमार सहरा साहब का बेटा। बिल्कुल सर कंक्लूड कीजिए सर। अच्छा 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 ठीक है सर, ओके। नाउ आई विल लाइक टू कॉल डॉक्टर चंद्रवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर इंग्लिश, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अतरौली, फॉर वोट ऑफ थैंक्स टू आवर पार्टिसिपेंट्स, आवर स्पीकर्स, कीनोट स्पीकर्स, आवर प्रेसिडेंट डॉक्टर चंद्रवीर सिंह। थैंक यू वेरी मच सर, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ वीरांगना अवंतीबाई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अतरौली अलीगढ़, I feel privileged to have Honorable President, respected speakers, and esteemed participants. On this third day, I deem it a great honor to propose a vote of thanks on this memorable occasion. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion a resounding success. First and foremost, I thank our president of today's webinar, Dr. G.S. Modi, the principal of Government Degree College, Gonda, Aligarh, who, despite his busy schedule, has found time to grace this occasion. His address has been very classical in tone. I also express my heartfelt thanks to distinguished speaker, Dr. Arvind Kumar Dubey, Assistant Professor, Indira Gandhi National Open University, New Delhi, for his valuable contribution on the topic, The Importance of Indian Heritage. His speech was very motivational and inspiring to show the very spirit and soul of Indian heritage. We are also grateful to Dr. Anup Kumar, Associate Professor, Government Degree College, Atrauli, Aligarh, for his valuable words on the topic culture based on religion. He showed how culture came into existence through religion and how scientific inquiry is spoiling it. I am also thankful to Dr. Narendra Kumar Shehra, Assistant Professor of Government Degree College, Charra, Aligarh, who tried to give his speech on the topic geographical background on Indian heritage, but unfortunately due to some technical problem he cannot speak much on his subject. I thank our principal Saiba Dr. Mazda Khan for the support of this webinar. Last but not least, my heartfelt thanks to Mr. Sunil Kumar Verma, technical manager and distinguished participants of this program. Thank you very much. Thank you, Chandavir sir. Thank you, sir. Sarva sir. Ji sir. National anthem ke liye kahiye. हाँ तो नाउ वी आर प्रिपेयरिंग रेडी फॉर द नेशनल एंथम इन द लास्ट आई रिक्वेस्ट टू मिस्टर सुनील कुमार टू प्ले द नेशनल एंथम। मिस्टर सुनील कुमार जी प्लीज प्ले द नेशनल एंथम। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा,
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय हिंद जय भारत जय भारत जय भारत आदाब आदाब सर सबको आदाब 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 नमस्कार मैम नमस्कार मैम नमस्कार आदाब सर सबको आप नमस्कार सर सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का धन्यवाद सभी को धन्यवाद सर मोदी मोदी जी को नमस्कार मोदी सर धन्यवाद मोदी सर प्रणाम मोदी जी को बहुत प्रणाम मोदी सर गुड इवनिंग सबको प्रणाम मेरा आदर नमस्कार सभी को नमस्कार सर आपको भी नमस्कार सर बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू सर थैंक यू और यूसी शर्मा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद संचालन के लिए डॉक्टर थैंक यू सर का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर थैंक यू सर धन्यवाद थैंक्स टू ऑल एंड कांग्रेचुलेशंस जी 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 थैंक्स सर थैंक्स टू सुनील जी थैंक्स टू सुनील जी हां सुनील जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद वेलकम सर थैंक यू सभी को कंक्लूड कीजिए सुनील जी मैडम को कांग्रेचुलेशंस सुनील जी कंक्लूड कीजिए